Morning everyone. Chalo, start karte hai, consolidate karna achhe tarike se dhyan dena. The first and foremost thing, yesterday's lecture, last lecture ke andar humne dekha tha ki basically law ke basics kya hote hai, usko main thoda revise kar du. Law ke basic ke andar sabse pehli cheez humne dekhi thi ki bhaiya law kyu banaya jata hai, there is situation which demands a law. Law depend hota hai char factors ke upar, safety, benefit, not at the cost of others and kya log baad usse ethics. फिर हमने लॉ पास करने का प्रोसेस देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले तीन टाइप के लॉज होते हैं यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट. उसके अंदर यूनियन और कॉन्करेंट लॉ या सेंट्रल प्रोसेस से पास होते हैं और स्टेट लॉ ये पास होता है स्टेट प्रोसेस से. फिर हमने देखा था लॉ का ड्राफ्ट बनता है, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, फिर उसका फर्स्ट रीडिंग होता है, फिर पब्लिक के कमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद में होता है उस लॉ के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी के डिस्कशंस, फिर वो लॉ वापस पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस, एक हाउस ऑफ पीपल, एक हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन दोनों जगह पे मेजोरिटी वोट से अगर लॉ अप्रूव होता है तो फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंट्रल लॉ एंड गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लॉ के केस में, और फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर इसको अप्रूव करते हैं तो ऑफिशियल गैजेट से हम डिक्लेयर करता है कि लॉ ये पास हो चुका है. अभी तक के लॉ तीन ही लॉज ज्वाइंट सेशन में कवरअप किए गए थे 70 साल के हिस्ट्री में, और प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को रिजेक्ट करने का एक ही पावर रखता है जिसे कहते हैं वेटो पावर, वन टाइम पावर. सेम लॉ अगर उन्हीं इंप्लीमेंटेशन के साथ वापस आए तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर नहीं सकता. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनना. आज से हम जाने वाले हैं हमारे सबसे पहले एक्ट की तरफ जो है कौन सा, बोले एक बार उसे रेरा. उसके पहले मुझे एक बार पिछले सभी एक्ट का नाम मुझे बोल दो जो हमने सिलेबस के अंदर देखा था. आ जाओ बेटा, सो मुझे एक बार सभी एक्ट का नाम बोलो जो हमने पीछे देखा था. सबसे पहला कौन सा था? WTO, इट इज अ डिस्प्यूटेड. दूसरा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, क्लियर? इस साइड आ जाओ, कोई तो इस साइड बैठो कैमरे, ठीक है? कॉम्पिटिशन एक्ट ईयर कौन सा है? 2002. फिर आईबीसी, आईबीसी का ईयर कौन सा है? 2016. फिर फेमा 1999, पीएमएलए 2002, फिर रेरा 2016, और लास्ट में बेनामी प्रॉपर्टीज ईयर 1988. क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? आज से हम जो लॉ शुरू करने वाले हैं उसका नाम है रेरा, ठीक है? पहले तो लॉ का नाम याद कर लेते हैं, ठीक है? पूरा का पूरा एक बार पूरा लॉ का नाम बोलना क्या है पर एक बार, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016. एक बार वापस बोलो, क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016. अब अगर आप खुद के नोट्स देखो तो वन साइडेड ब्लैंक नोट्स है, ठीक है? एज इट इज ओपन बुक सिस्टम तो मैंने आपके लिखने के लिए जगह छोड़ के रखी है, हर एक साइड आपके नोट्स का ब्लैंक होगा, सो दैट हम सभी चीजें यहां पे मैं जो डायग्राम्स वगैरह बनाऊंगा वो आप एक साइड लिखते चलो. ओपन बुक सिस्टम के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप शॉर्ट से शॉर्ट व्यू में ज्यादा से ज्यादा चीजें इनकलकेट करो, उसको राइटअप कर पाओ. तो कहीं अगर आपके पास समय नहीं रहा टेक्स्ट पढ़ने का तो आप डायग्राम के लॉजिक्स लेके भी स्ट्रेट अवे पेपर लिख सकते हो, पर अपना बेसिक प्रिपरेशन यही है कि हमको देखो बुक की जरूरत ना पड़े, बट स्टिल इनकेस कभी पड़ती है इसलिए हम लेफ्ट साइड डायग्राम ड्रॉ करेंगे राइट साइड. इससे आपको बुक डबल साइज की दिखेगी, बट ऑब्वियस सी बात है कि आप एक बुक मेंटेन करोगे, एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, उससे अच्छा सब एक बुक में ही मेंटेन करो. कॉन्सेप्ट समझ में? एनीवेज साइज उतना ही होगा. अब जितना लिखना है वो तो लिखना है, उसके अंदर तो कहीं कुछ कमी कर नहीं सकते. समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं रेरा, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. क्या लगता है क्यों बनाया होगा रेरा? व्हाई व्हाई रेरा? प्रॉपर्टी डीलर ने आज तक के बोले लोगों को बहुत छला है. छला मतलब? हाँ, डिस्प्यूट लैंड प्रॉपर्टी के साथ डिस्प्यूट. अभी कितने सारे बिल्डर्स के ऊपर लोगों ने केस ठोक के रखे हैं, ठीक है? तो इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर का ना नाम हो रहा था बदनाम, ठीक है? और रियल एस्टेट सेक्टर के नाम बदनाम होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, ठीक है? एक एक मैं थोड़ा सा शुरू करता हूं. जब किसी भी इंसान के पास पैसा आता है ना, थोड़ा सोचना, आपके पास पैसा आया, ठीक है? जॉब वॉब में लग गए, फिर मैंने बताया था सीए बनने के बाद एक छोटा सा बंगला, एक छोटी सी गाड़ी, याद है ना? तो तुमने पूना वगैरह जैसे सिटी में अगर घर खरीदने की कोशिश की तो बंगला तो औकात के बाहर है अपने, ठीक है? लेना पड़ेगा तो फिर डायरेक्ट पूना के बाहर. बैंगलोर, पूना, मुंबई जैसे सिटी में बंगले तो आप भूल जाओ. अब लोग जाते थे फ्लैट खरीदने के लिए. क्या खरीदने के लिए? फ्लैट. मुझे तो किसी भी पर्सन के पास पैसा आया तो पहली चीज वो सोचता है घर लू. क्यों सोचता है? क्योंकि घर इज नॉट अ एक्सपेंडिचर, फ्लैट इज नॉट अ एक्सपेंडिचर, इट इज अ इन्वेस्टमेंट. अब अगर आप फ्लैट को कंपेयर करो
और बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर करो तो थोड़ा सा टैली करते हैं। इंडिया में फ्लैट इन्वेस्टमेंट्स के लिए 2016 तक के कोई अथॉरिटी नहीं था, बट अगर आप फ्लैट इन्वेस्टमेंट छोड़ो और शेयर इन्वेस्टमेंट करो तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, और उसका रेगुलेटरी लॉ है सेबी, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता था। अब सेबी वाला शेयर इन्वेस्टमेंट छोड़ो, म्यूचुअल फंड में जाओ, म्यूचुअल फंड में भी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड के लॉज बना के रखे हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट। आप दूसरा इन्वेस्टमेंट करने जाओ एफडीज या सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, तो उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए आरबीआई नेसेसरी अथॉरिटी है। आप ये छोड़ो, आप कंपनी को डिपॉजिट देके देखो, कंपनीज एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी, एनसीएलटी जैसे अथॉरिटीज है। आप ये सब छोड़ो और इन्वेस्टमेंट गोल्ड वगैरह में करके देखो तो सिविल कोर्ट के प्रोसीजर्स है गोल्ड के लिए, पीएमएलए जैसे लॉज है जो ब्लैक मनी को ट्रेस करते हैं गोल्ड के फॉर्म में। तो रियल इस्टेट छोड़ के 2016 तक इंडिया में हर टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए लॉ था, हर टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए अथॉरिटी भी थी। सिर्फ एक ही एरिया था इन्वेस्टमेंट का जिसके लिए ना कोई लॉ था ना कोई अथॉरिटी थी। इसलिए सब सब कालाबाजारी चलता था। कालाबाजारी मतलब, कालाबाजारी के दो मीनिंग, पहला काला बाजार मतलब लिटरली काला बाजार कैश वाला, और दूसरा मन मर्जी से जो ट्रांजेक्शन करने हैं वो करो, कोई रोकने नहीं आने वाला। और इस चक्कर में बिल्डर्स का नाम इतना खराब हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं है सब बिल्डर ये करेंगे, ऐसा होता भी नहीं है कि सब बिल्डर ऐसा करते हैं, पर कुछ बिल्डर्स के वजह से सभी लॉबी का नाम बदनाम होता है। सिंपली हर केस में ऐसा ही होता है। जरूरी नहीं है कि भैया हिंदू मुस्लिम झगड़ते ही है, अब अयोध्या का केस है, जरूरी है हिंदू मुस्लिम झगड़ते, मैंने तुमको पूछा तुम झगड़ना चाहते, तुम बोलोगे नहीं। किसी भी मुस्लिम भाई को पूछो जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, झगड़ना चाहोगे बोलोगे नहीं। कुछ ही लोग होते हैं जो इशू क्रिएट करते हैं जिसके वजह से पूरे लॉबी का नाम बदनाम होता है। सेम विद द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के केस में कुछ लोगों ने दादागिरी करना शुरू कर दिया, पोजीशन के डिले, साथ साथ में पैसा ले लिया, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, लोग फ्लैट की ईएमआई भी भर रहे हैं और पोजीशन नहीं मिला इसलिए रेंटल प्रॉपर्टी का रेंटल भी भर रहे हैं, जिंदगी झंड हो गई, लोगों को डबल डबल पैसा लग रहा है। तो एक जरूरी ऐसी चीज थी कि ये पूरे रियल एस्टेट वाले सेक्टर को गवर्न करने के लिए एक लॉ और एक अथॉरिटी आए, और उस चक्कर में 2016 में बनाया गया रेरा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्यों रेरा की नीड है समझ में आ रहा है, जोर से बोले सुनो। सो अगर मैं आपको रेरा की सबसे पहले हिस्ट्री बोलूं कि वहा है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, वहा है क्या जरूरत है भैया रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट की, अभी तक क्या जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी? तो हम एक एक चीज जानते हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट क्यों बनाया गया, एक एक चीज हिस्ट्री से देखो। मैं रेरा के पहले क्या था और रेरा के बाद क्या हुआ ये आपको बता रहा हूं, और यही आपके हिस्ट्री का पार्ट बनेगा कि रेरा के पहले ये नहीं था, यही तो हिस्ट्री है, और रेरा के बाद ये हुआ, ये हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी। देर वॉज अ नो रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर लाइक वी हैव सेबी इन द सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट सेक्टर। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जैसे हमारे पास सेबी है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आरबीआई है, वैसे यहां रेरा के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं था। बट अभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक ऐसा अथॉरिटी बनाया गया है रेरा में जो हर स्टेट के लिए अलग से काम करता है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं, आज के डेट में अगर 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज है तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में रेरा एक्ट के अंदर एक सेपरेट अथॉरिटी है। जैसे महाराष्ट्र के रेरा अथॉरिटी को कहा जाता है महारेरा, आपने शायद सुना होगा, है ना। एमपी की रेरा अथॉरिटी होगी, बिहार की रेरा अथॉरिटी, हर स्टेट की रेरा अथॉरिटी है। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले से ही लॉ बनाते इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। ऐसा नहीं है जैसे इनकम टैक्स में एक ही सीबीडीटी भैया सब उसी के पीछे है ना, यहां हर एक्ट हर स्टेट में खुद की एक अथॉरिटी बनाई जिससे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और कंट्रोल सही हुआ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा, अपीलेट टू अथॉरिटी। पहले हम किसके पास कंप्लेंट फाइल करें, अगर हमको फ्लैट का, मैंने फ्लैट बुक किया, मेरे को फ्लैट का पोजीशन डिले मिल गया, मैं किसके पास जाऊं अपील करने के लिए, मैं तो बेघर हो गया ना आदमी। और कोई भी आदमी मुझे बताओ लिटिगेशन के चक्कर में फंसना चाहता है क्या? मराठी में एक म्हण है, मराठी में शहाणा माणसानी तीन पायऱ्या चढ़ू नहीं, कि होशियार इंसान ने तीन जगह की स्टेप्स नहीं चढ़नी चाहिए, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और कोर्ट। क्लियर है कंसेप्ट? ये तीन जगह की, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा समय और पैसा इतना बर्बाद होगा और जस्टिस के कोई चांसेस नहीं है।
तो कोई भी अगर आज मुझे फ्लैट का पोजीशन डिले हुआ, कम से कम 5 महीने तो मैं वेट करूंगा, फ्रस्ट्रेट होऊंगा, 6वें महीने में बिल्डर से झगड़ूंगा, 7वें 8वें महीने में और वेट करूंगा, 9वें 10वें महीने में सोचूंगा कि एक तो फ्लैट कैंसिल करूं नहीं तो केस करूं, उसमें भी मैं मैक्सिमम टाइम फ्लैट कैंसिल करके बाहर निकल जाऊंगा। पर ये 8-10 महीने का जो मुझे लॉस हुआ, जो रेंट पड़ा, जो मेरा पैसा उठका हुआ है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए मेरे पास कंप्लेंट करने के लिए अथॉरिटी नहीं था। अब रेरा के अंदर बकायदा रियाट है, रियाट रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इट इज अ स्पेसिफिक अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड अंडर रेरा, जो नियरली 60 डेज के अंदर आपके अपील को डिसमिस कर देगा, जिस दिन आपने फाइल किया 60 डेज में तबाह। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तीसरा, नॉर्म ऑफ बिल्डर्स। पहले हर बिल्डर के अपने अलग अलग नॉर्म्स थे, हर बिल्डर खुद के हिसाब से नॉर्म्स बनाता था, एकदम जो मन में आया वैसा। लेकिन अभी हर बिल्डर को रेरा ने नॉर्म्स बनाए कि भैया ये नॉर्म से कोई भी बिल्डर हो इसको फॉलो करना जरूरी है। चौथा, कैलकुलेशन ऑफ रेट्स। आपने कभी इसके बीच में शायद सुना नहीं होगा, मैं आपको इसको समझा रहा हूं। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेट, सुपर बिल्टअप, बिल्टअप एंड कार्पेट एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया एंड कार्पेट एरिया। नाउ व्हाट इज अ सुपर बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया एंड कार्पेट एरिया, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। आप जब खुद जिंदगी में फ्लैट लोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं रेरा आपने कुछ इस कदर पढ़ना चाहिए कि जैसे आप खुद फ्लैट परचेस करने वाले हो तो जाके समझेगा, अदरवाइज आपको रेरा समझ में ही नहीं आएगा। मैं आपको फ्रेंकली बोलता हूं, पूरा रेरा पढ़ने के बाद में अगर आप खुद के फ्लैट के खरीदने के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो इट इज वेरी सिंपल एज दैट, तुमको रेरा वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज वेरी प्रैक्टिकल, मतलब डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो, ऐसा वाला लॉ है। क्योंकि मैंने मेरा फ्लैट इसको देख के ही खरीदा, इससे मैं बोल सकता हूं, ठीक है। सो व्हाट इज सुपर बिल्टअप? लेट्स इमेजिन एक बिल्डर के पास 10 एकड़ की लैंड है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 10 के 10 एकड़ में वो सिर्फ फ्लैट 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 बना सकता है क्या? 10 एकड़ के लैंड में से उसको पहला एरिया छोड़ना पड़ता है आजू बाजू की 15 फीट की बॉर्डर, वो गया उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही लिमिट है। फिर अंदर उसको कम से कम 1/3 एरिया टू 1/2 एरिया तक के बनाने पड़ते हैं एमिनिटीज, क्योंकि फ्लैट के अंदर अगर लोग रहेंगे उनको एमिनिटीज चाहिए, बेसिक एमिनिटीज सब बोली गई है कि भैया एक क्लब हाउस चाहिए, एक जिम्नेशियम चाहिए और एक सैनिटेशन सीवेज वाला अच्छा एरिया चाहिए, पावर बैकअप चाहिए। इसके एडिशन में बिल्डर तुमको क्या क्या देगा, दैट इज डिफरेंट, स्विमिंग पूल देगा, जकूजी देगा, किड्स प्ले एरिया देगा, गार्डन देगा, इट डिपेंड्स, पर इतना एरिया एमिनिटीज में जाता है। ये छोड़ने के बाद भी, इतना एरिया एमिनिटीज में जाने के बाद भी फिर बचता है बिल्डिंग के लिए आधा पोर्शन, नियरली 10 एकड़ का 5 एकड़ बिल्डिंग के लिए बचा। उस 5 एकड़ के बिल्डिंग में भी एंट्रेंस लॉबी अलग, बालकनी अलग, जो 4 फ्लैट के बीच का कॉमन एरिया होता है वो अलग, फ्लैट में आग वगैरह लग गई तो एक रिफ्यूज एरिया होता है। आप कोई भी बड़ी बिल्डिंग देखना, कोई भी बड़ी बिल्डिंग, उसके अंदर एक सेपरेट फ्लोर के ऊपर लिखा होगा रिफ्यूज एरिया। अब कोई भी बड़े कंस्ट्रक्शन देखना, अभी पिछले 1-2 साल भी हुए 10 मंजिला ऊपर ऐसा लिखा रहता है रिफ्यूज एरिया, और वो डिक्टेट करते हैं बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं, बल्कि बिल्डिंग की डिजाइन कितनी भी खराब हो ऐसे लिखते हैं रिफ्यूज एरिया। रिफ्यूज एरिया मतलब बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है तो आप रिफ्यूज एरिया में आके आसरा ले सकते हो, तो उसका एरिया अलग छोड़ना पड़ता है। ऑल एंड ऑल ये सब एरिया छोड़ने के बाद बिल्डर जो फ्लैट बेचता है वो एरिया हार्डली टोटल लैंड साइज के अगर मैं बोलू तो 110% तक के बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी 10 एकड़ की लैंड है तो तुम 110 एकड़ तक के जितने स्क्वायर फीट में कन्वर्ट होंगे उतना एरिया आप बेच सकते हो, लेकिन वो बिल्डिंग के फॉर्म में एक के ऊपर एक फ्लोर पे होता है, दैट्स व्हाई वो बेचा जा सकता है। अब बिल्डर क्या करता है इस केस में? बिल्डर क्या करता है, फ्लैट बनाएगा 1000 स्क्वायर फीट का, और ये बाकी जितने एमिनिटीज प्रोवाइड किए, ये बाकी जितने कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, इसका अपोर्शनमेंट करता है सभी फ्लैट पे। फॉर एग्जाम्पल 10 में से 5 एकड़ का एरिया अगर चला गया एमिनिटीज वगैरह जैसी चीजों में, समझ में आ रहा है, 10 में से 5 एकड़ का एरिया कहां में चला गया, एमिनिटीज जैसी चीजों के अंदर, और बिल्डर को ये 5 एकड़ का एमिनिटी का एरिया अपोर्शन करना है 100 फ्लैट्स पे, तो बिल्डर हर 5 एकड़ के एरिया डिवाइडेड बाय 100 फ्लैट जितना वैल्यू आया उतना एरिया उस फ्लैट में एड कर देगा। इसे कहते हैं लोडिंग। इसे क्या कहते हैं बोले, बार लोडिंग। ये आपको समझ में आएगा जब आप फ्लैट परचेस करोगे, आपको समझ में आएगा लोडिंग मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, मैं मेरे फ्लैट का इतना एरिया यूज करने वाला हूं। आप फ्लैट में जो अंदर घूमते हो ना, आपके हॉल में घूमते हो, किचन में घूमते हो, बाथरूम में जाते हो, बेडरूम में आते हो, उस एरिया को कहा जाता है कार्पेट एरिया। कार्पेट एरिया मतलब जितना एरिया आप एक्चुअली यूज करते हो।
वो कारपेट एरिया के ऊपर जब आप 30-40% लोडिंग करते हो तो आता है सुपर बिल्टअप एरिया, मतलब कारपेट एरिया प्लस एम्यूनिटीज वाला लोडिंग, तो आएगा आपका सुपर बिल्टअप। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से आप एक्चुअल यूज कितना करने वाले हो? कारपेट। बिल्डर पहले जितने भी एग्रीमेंट्स होते थे वो सुपर बिल्टअप एरिया के ऊपर करता था। काय के ऊपर करता था बोले एक बार? सुपर बिल्टअप एरिया मतलब आपका कारपेट एरिया प्लस आपके ऊपर एमिनिटीज का जितना लोडिंग किया। एक हिसाब से देखा जाए तो वो सही भी लगता है क्योंकि एमिनिटीज भी पब्लिक ही यूज करेंगे, पर इसमें बिल्डर को एक मार्जिन मिलता था एक्सेस चीजें ऐड करने के लिए। कैसी चीजें ऐड करने के लिए? एक्सेस, मतलब एमिनिटीज से रिगार्डिंग। आओ जल्दी बैठो, जब पढ़ा रहा हूं तो एंट्री नहीं करना नॉर्मली, ठीक है? बैठो, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाहर दो मिनट रुकना फिर मैं बुलाऊंगा, ठीक है? सो एमिनिटीज का एरिया बिल्डर को एक मार्जिन मिलती है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम फ्लैट परचेस करने गए और उसने बोला 30% लोडिंग, तुम्हारा फ्लैट है 700 स्क्वायर फीट का और तुमने उसने बोला 30% लोडिंग, तो बिना कुछ के फ्लैट कितने हजार स्क्वायर फीट का हो गया? 1000। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब ये 30% लोडिंग का प्रूफ क्या है? क्या ये 300 स्क्वायर फीट जो आपने ऐड किए वो पूरे के पूरे एरिया को बकायदा डिवाइड करके ऐड किए हैं? ये सुपर बिल्टअप में क्या इंक्लूड है क्या नहीं है, कॉमन एरियाज इंक्लूड है क्या, एमिनिटी एरिया इंक्लूड है क्या, ये कौन बताएगा? ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्डर पहले सभी कैलकुलेशन सुपर बिल्टअप पे करता था। मतलब आप यूज करते थे कारपेट एरिया पर आपको फ्लैट मिलता था 30% एक्स्ट्रा चार्ज के ऊपर। क्लियर है कांसेप्ट? अभी रेरा ने कंपल्शन किया है जो भी कैलकुलेशन है वो कारपेट एरिया के ऊपर ही होंगे, जितना एरिया आप यूज करो उतने का ही आपको फ्लैट मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। जोर से बोले एक बार उसे नो, मतलब एमिनिटीज वगैरह का अगर आपको रेट बढ़ाना है फ्लैट का रेट बढ़ाओ, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डर। समझो कोई बिना एमिनिटी वाली स्कीम है अगर वो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में जा रही है तो आप 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज करो अगर आपके सोसाइटी में एमिनिटी है तो, पर जो भी कैलकुलेशन है वो कारपेट एरिया पे होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपका 30% लोडिंग है ना, तो जो 10,000 चार्ज कर रहा है उसके जगह पे आप 13,000 रेट लगाओ, 10% 30% लोडिंग लगा के और 13,000 कारपेट एरिया के हिसाब से बेचो। पर जो भी है कैलकुलेशन कारपेट एरिया से, मतलब आपको एक रुपया एक्सेस पे करने की जरूरत नहीं, आपको पता चले कितना पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फॉर अ डिले। अब समझो आप बिल्डर हो, मैंने आपसे फ्लैट परचेस किया, मैंने एक शानदार मेरे घर के लिए फ्लैट परचेस किया, आपने मेरे को डिलेड पोजीशन दिया। जब आप मेरे को डिले पोजीशन देते हो तो मेरे भी तो प्लान हिसक जाते हैं ना। मेरे को शादी करनी थी, मेरे को बच्चे पैदा करने थे, मेरे को मेरे फैमिली को लेके आना था, हजार चीजें करनी थी, मेहमानों को बुलाना था, वास्तु करना था, मेरे सपने थे, आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो भी तो डिले हो गई सबकी सब। बोलो हाँ ना। तो ऐसे केस में आपने मुझे इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन कभी गलती से आपका पोजीशन रेडी है और मैंने आपको पेमेंट डिले किया तो मैंने आपको इंटरेस्ट पे करना है। पर पहले कैसे होता था पता है? पता है? अरे बोलो पता है। पहले बिल्डर इंटरेस्ट लेता था ज्यादा और देता था कम। बिल्डर यूज टू चार्ज अर्लियर, कस्टमर हैव टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट देन बिल्डर पेइंग ऑन द डिलेड पोजीशन। बिल्डर जितना डिलेड पोजीशन पे इंटरेस्ट देता था ना वो कस्टमर से भी कम था, कस्टमर जितना चार्ज देता था उससे कम बिल्डर देता था। लेकिन अभी बिल्डर और कस्टमर दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। अगर बिल्डर को मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा तो बिल्डर भी मेरे को 10% ही इंटरेस्ट देगा। ये अभी ना इंसाफी नहीं चलेगी। क्लियर है? आगे नेक्स्ट वाला डाइवर्जन ऑफ फंड्स। हाँ ये खतरनाक है। समझो मैं बिल्डर हूं, ठीक है? मैंने एक स्कीम निकाली, एक जबरदस्त वाली स्कीम। स्कीम का नाम है ऐसी एकदम खतरनाक वाला मोंटेरोसा रिवियेरा, नहीं का एकदम आयरिश नेम आते नाम, घंटा तुमको मीनिंग उसका समझ में नहीं आता पर सुनने में बहुत अच्छा लगता। मेरी मोंटेरोसा स्कीम है। कौन सी मोंटेरो, काय की, क्या, किसी को नहीं मालूम। सो बेसिकली देखा जाए अभी है पूना में चल रही है इस मोंटेरोसा नाम की स्कीम। स्कीम अच्छी है, उसके बारे में मेरा कोई कहना नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं। अब अगर स्कीम तुमने शुरू की, एक मैंने स्कीम शुरू की और इस स्कीम के खिलाफ मुझे पैसा आ रहा है, मैंने आप सबको फ्लैट बेचे, आप सबने मेरे से 5-5 BHK का एक एक फ्लैट खरीदा। BHK समझता है ना? व्हाट इज BHK? बेडरूम हॉल किचन। 5 BHK मतलब 5 बेडरूम हॉल एंड किचन। क्लियर? मतलब 5 किचन 5 हॉल नहीं, सिर्फ 5 बेडरूम, ठीक है? सो 5 बेडरूम किचन एंड क्या बोले एक बार जो से हॉल। मैं तुम्हारे को 5 BHK बेचा और इसके बदले में तुमने मेरे को 1-1 करोड़ रुपए दिए फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है? अब मेरे को जब पता चला कि यार ये बिल्डिंग तो पूरी बेची गई, ये बिल्डिंग पूरी बेची गई,
मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया नहीं किया, प्राइम लोकेशन है, कोई भी इसको खरीदने आ जाएगा, और लिटरली तुमने आके उसको खरीदा और मेरे को पैसे दे दिए, और मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो चल रहा है, जिसको कोई लेने भी नहीं आ रहा, जिसको कोई देखने भी नहीं आ रहा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मैंने क्या किया, आपने जो मेरे को 5-10 करोड़ दिया वो उठाया और वो प्रोजेक्ट में लगा दिया, और इधर का कंस्ट्रक्शन कर दिया डिले, क्योंकि यहां तो डिमांड थी, ये तो प्राइम लोकेशन है, यहां तो कोई भी खरीदने आ जाएगा, पर दूसरे लोकेशन को जल्दी जल्दी बनाना था मेरे को। क्यों जल्दी बनाना था? क्योंकि उसके लिए भी मुझे पैसा मिले, वो भी बेचा जाए। तो मैंने इधर का आया हुआ पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया और वो प्रोजेक्ट पहले खड़ा कर दिया क्योंकि वो बेचा जाए। सही है गलत है मित्रों? क्या है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, बोलो हाँ है ना। ये तो नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। अभी बताया क्या होता है, ऐसा बिल्डर पहले करता था, अर्लियर बिल्डर यूज टू डाइवर्ट द फंड्स ऑफ वन प्रोजेक्ट टू द अनदर प्रोजेक्ट विदाउट एनी इंटीमेशन टू द कस्टमर। अभी आपको पता है जितना आप मेरे को पैसा दोगे ना एज अ बिल्डर, उसका 70% मुझे इसी स्कीम के एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ेगा। देयर इज अ स्कीम ए एंड स्कीम बी, तो मुझे स्कीम ए से जो पैसा मिला उसका 70% स्कीम ए में ही रखना है, 30% चाहिए तो मैं डाइवर्ट कर सकता हूं, पर स्कीम ए तो सेफ रहेगी 70% तक के। आइडिया क्लियर है? ये रेरा के हाइलाइट्स है। अगला, गारंटी वारंटी। पहले बिल्डर ने तुमको फ्लैट बेच दिया, तुमने फ्लैट चेक कर लिया, बाद में उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सब डिफेक्ट के लिए तुम जिम्मेदार। आप फ्लैट में जब रहने जाते हो ना, मैं अभी रहने गया था, प्रॉब्लम बाद में बहुत सारे समझते, कोई खिड़की लगती नहीं है, कोई नल शुरू नहीं होता है, कोई सीवेज ड्रेनेज अटक जाता है, किसी में सीमेंट फंसा होता है, हजारों प्रॉब्लम, आदमी रहे तो कैसे रहे। तो पहले बिल्डर इसकी कोई गारंटी नहीं लेता था, अभी रेरा के अंदर 5 साल तक के मेंटेनेंस की गारंटी बिल्डर की है। गारंटी और वारंटी, आपको फ्लैट बेचने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने से नहीं, जिस दिन समझो बिल्डिंग पहले से रेडी है और फ्लैट आपको 2 साल बाद बेचा, तो 2 साल के बाद 5 साल की वारंटी उसको आपको देनी पड़ेगी कि फ्लैट के अंदर जो भी डिफेक्ट है उसके लिए बिल्डर लायबल रहेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। 5 साल। सबसे आखिरी, डिफेक्ट इन टाइटल। अगर कभी पहले ऐसा सिचुएशन था, आपको फ्लैट बेचा तो बिल्डर आपको बोलता था 2-3 महीने तक के टाइटल चेक कर लो, और 2-3 महीने के अंदर अगर आपने टाइटल को डिफेक्ट नहीं निकाला तो जिंदगी भर के लिए आप कोई डिफेक्ट नहीं निकाल सकते। मतलब ऐसा हुआ कि उसने आपको फ्लैट बेचा, 3 महीने तक आप कोई डिफेक्ट ढूंढ नहीं पाए, तो 3 महीने के बाद का हर जो डिफेक्ट है वो आपको सहना पड़ेगा। लेकिन रेरा में एक बार जो बिल्डिंग बेच दी या फ्लैट बेच दिया, लाइफ टाइम तक के अगर टाइटल में डिफेक्ट रहा, आप बिल्डर के ऊपर केस कर सकते हो। ये कुछ बहुत ही ज्यादा मेन हाइलाइट्स है रेरा के। ये मेन एलिमेंट है कि क्यों रेरा बनाया गया। सभी ऐसी चीजें जो मटेरियलिस्टिक है, जो काम की है, उसके साथ रेरा बनाया गया। दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ रेरा। आइडिया क्लियर है? सेम डिफरेंस मैंने तुम्हारी बुक में देके रखा है। इन सब चीजों के साथ एक बार सिर्फ रीड करो, गो फॉर इट फास्ट। डिफेक्टिंग टाइटल मतलब बिल्डर ने ऑलरेडी एक फ्लैट किसी को बेचा था, सेम फ्लैट उठा के आपको बेच दिया, समझ में आ रहा है, और फिर आपको ये 2-3 महीने तक पता ही नहीं चला। 5 महीने तक जब पता चला तो बिल्डर ने हाथ झटक लिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने चेक करके लेना चाहिए था। अब बिल्डर हाथ नहीं झटक सकता, अब जब तक के फ्लैट तुम्हारे पास है बिल्डर हर टाइटल के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। रजिस्ट्रेशन नहीं पता चल सकती। मैं आपको बोलता हूं ये केस हुआ था, ये भी क्यों रेगुलेशन आया, नियरली 1-1.5 साल पहले की बात है। पुणे में ही एक बंदे ने एक फ्लैट 6 महीने के अंदर 24 जनों को बेच दिया था, 24 लोगों को, रजिस्ट्री करने के बावजूद भी। मतलब वहां के रजिस्ट्रार को फ्रॉड के केस में अंदर कर दिया गवर्नमेंट ने, इतना खतरनाक। क्योंकि आपके बायोमेट्रिक स्कैन जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली दिखता है, तो ऑब्वियसली उसने रजिस्ट्रार को पैसा खिलाया होगा तभी ये चीजें हुई होगी। तो रजिस्ट्रार को अंदर कर दिया, वो पैसा पूरा पैसा लेके अब्रॉड भाग गया। दिस हैपेंड, इसीलिए टाइटल डिफेक्ट होगा पूरा का पूरा बिल्डर के ऊपर। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत इसके अंदर? एक बार सिर्फ डिफरेंस रीड कर लो फटाफट, और जो मेन कीवर्ड्स लगते हैं उनको मार्क कर लो, जैसे कारपेट एरिया, 5 इयर्स तक का डैमेज देना है, ये की चीजें मार्क कर लो। और बिफोर रेरा वाली मत करना, आफ्टर रेरा वाली ही मार्क करना, सो दैट आपको रिवाइज करते फटाफट वो आंखों के सामने आ जाए। नेट नोट्स खत्म हो गया, ठीक है कल आ जाएंगे नोट। नहीं, इंटरेस्ट का रेट एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर जो भी आप रेट डिसाइड करोगे दोनों के लिए इक्वल रहेगा। उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस है बट वो रिकमेंडेड है, मैं बताऊंगा आगे आएगा, डोंट वरी। जब से रेरा बना
और उसके अंदर जो स्कीम डेवलपिंग है उनके लिए। अब जब मैं रेरा की अप्लीकेबिलिटी बोलूंगा तो उस वक्त ये बोलूंगा कि रेरा कब से अप्लाई करना है। चलो समझ में आ रहा है सबको। ओके अब अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हर एक्ट पढ़ने के पहले कितनी चीजें पढ़नी चाहिए, चार। पहला कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा अथॉरिटी स्ट्रक्चर, ठीक है, और चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें से हिस्ट्री तो मैंने बोल दिया, इसके ऊपर भी तुमको अगर हिस्ट्री चाहिए, मतलब रेरा कैसे बना इसकी हिस्ट्री, तो जरा आपके नोट्स के अंदर यहां आ जाओ, आपको यहां पे दिखना शुरू होगा। कैन यू सी दिस डायग्राम इन योर नोट्स? पहले पेज पे होगा, हाँ है ना? तो देखो कैसे डेवलपमेंट हुआ है। द रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी जो रेरा एक्ट बना वो किस तरीके से बना? द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल वॉज पास्ड इन द राज्यसभा ऑन 10th of March 2016। The bill was passed in Lok Sabha on 15 March. Reverse order में हम जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, या ऐसा जाए history से जाऊं या reverse order में गया तो चले। implementation वाला area अगर हम देखें तो ठीक है, fine. The bill was passed in Lok Sabha, कब बोले एक बार जो से? 15th of March, कब बोले एक बार? 2016. अब normally यहां थोड़ा सा odd हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं reverse जा रहे। normally bill पहले कहां पास होता है? लोकसभा, और फिर कहां पास होता है? राज्यसभा। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आपको कंफर्म होता है कि आगे जाके ये बिल लोकसभा में पास होने वाला है और लोकसभा के सेशन सभी नहीं बचे हैं, तो लोग क्या कर लेते हैं कि पहले राज्यसभा में पास कर लेते हैं और उसे कहा जाता है एडवांस बिल। कौन सा बिल बोला जाता है? एडवांस बिल, और बाद में नेक्स्ट सेशन में वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। फिर द बिल वॉज पास्ड, पार्लियामेंट वॉज असेंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 25th of March 2016। कौन से प्रेसिडेंट होंगे ये? 2016 है, प्रणब मुखर्जी, भूल गए क्या मेरे देश के आजाद नागरिक को? आगे, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 वाज पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया ऑन 26th March 2016 फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। सेक्शन 2, सेक्शन 22-39 एंड 41-58 एंड 71-78, 81-92 नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st May 2016 and remaining sections of the act will be effective from 1st May 2017. अब इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आई गेस इसको वो नहीं पूछेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? बट एक बार रीड जरूर करना रिवाइज करते वक्त, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज, अब हम आते हैं रेरा के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। मैंने यहां ब्लैंक छोड़ के रखा है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर भी ब्लैंक छोड़ के रखा है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बच्चों? हाँ? जो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से लिस्ट में कौन से एंट्री नंबर पे आता है मुझे एक बार बताओ, कितने लिस्ट है? तीन। पहला यूनियन लिस्ट, कितने एंट्रीज है? 97। दूसरा स्टेट लिस्ट, कितने एंट्रीज? 66। और तीसरा कॉन्करेंट, कितने? 47। आज का आपका पहला होमवर्क है, घर जाके रेरा कौन से लिस्ट में कौन से एंट्री के ऊपर पड़ता है ये आपने ढूंढ के लाना है। क्लियर है कंसेप्ट? मैंने आपको लिस्ट ओपन करके दिखाई थी, अब थोड़ा खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? सो इसको होमवर्क, आज आपको ये ढूंढ के लाना है कौन से लिस्ट में कौन से एंट्री पे रेरा आता है। क्लियर है कंसेप्ट? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। अब जाते हैं अथॉरिटी स्ट्रक्चर के ऊपर, रेडी? अब सब जन बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, अथॉरिटी स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? एवरीबडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। जैसे हम, मैं बोलता हूं हर लॉ पढ़ने के पहले अथॉरिटी स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्यों जरूरी है अथॉरिटी बेटा? एनीवन? अथॉरिटी की जरूरत क्या है? मैंने बताया था नहीं है कल के लेक्चर में? लॉ पास करना इज जस्ट 5%, 95% डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी कैसे काम करता है। अथॉरिटी अगर काम का नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आपका लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई पहले अथॉरिटी स्ट्रक्चर को समझिएगा, क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं रेरा, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसका अथॉरिटी स्ट्रक्चर बोलूं तो हर एक्ट का अथॉरिटी स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी,
एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज कौन सी अथॉरिटी, जुडिशियल। रेरा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में पहली अथॉरिटी आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सर आप फेंक रहे हो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ भी, हाँ बेटा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फेंक नहीं रहा हूं। एग्जाम में नॉर्मली आपको जब याद नहीं आता कौन से गवर्नमेंट का अप्रूवल, आप लिखते हो ना स्पेसिफाइड गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वैसा नहीं है ये, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि रेरा ये स्टेट वाइज अप्लीकेबल होता है स्टेट अथॉरिटीज के हिसाब से। तो कौन से स्टेट का कौन सा वाला गवर्नमेंट रहेगा ये अपने को नहीं पता, दैट्स व्हाई वर्ड का यूज किया जा रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, राजस्थान का गवर्नमेंट, दिल्ली का गवर्नमेंट, बिहार का गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकता है। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नीचे आएगा रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। कौन बोले एक बार जो से, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक्चुअली देखा जाए तो एक्ट का एब्रीवेशन अलग होना चाहिए, एक्ट का एब्रीवेशन होना चाहिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, RERDA, बट सब लोग उसको रेरा ही कहते हैं, तो अपन भी उसको रेरा ही कहेंगे। हालांकि रेरा इज अ नेम ऑफ अथॉरिटी, रेरा ये किसका नाम है बोले एक बार, अथॉरिटी का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सो रेरा 2006 में पहला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और फिर है रेरा खुद अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर जाते हैं जुडिशियल में, जुडिशियल के अंदर सबसे पहले आता है रियाट, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। जोर से बोलो क्या बोलना है, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। और फिर इसके ऊपर डिपेंड है कि यहां पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या यहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके ऊपर हम देखेंगे वेदर इट विल गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल ये फिक्स नहीं है, जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ में आपको बोलूंगा उस टाइम में हम आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट आएगा या सुप्रीम कोर्ट आएगा। बट रेरा की फिलहाल अथॉरिटी स्ट्रक्चर इतना ही, रेरा के नीचे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नीचे अगर कोई बंदा है, कोई ऑफिसर, एम्प्लॉई एक्सेट्रा, तो हम उसको सेपरेटली यहां पे मेंशन कर देंगे। कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन फिलहाल आपको जितना स्ट्रक्चर की जरूरत है वो इतना ही है, क्लियर। इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। चलो एक बार चारों चीजें टैली करो कि हमने कंप्लीट की, एक बार देखा। सबसे पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये कौन करने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन ढूंढने वाला है, तुम लोग तो बोलो ना, हम बोलो हम, ठीक है। दूसरा हिस्ट्री, क्या हमने हिस्ट्री देख लिया अभी, ये सुनो। फिर उसके बाद में अथॉरिटी स्ट्रक्चर, क्या हमने अथॉरिटी स्ट्रक्चर देखा। और फिर चौथा क्या बचता है, चैप्टर स्ट्रक्चर, तो आ जाओ चैप्टर स्ट्रक्चर पे। डिफरेंस के नीचे चैप्टर का स्ट्रक्चर दिया है, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 92 तक पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर दिया है। एक एक चैप्टर जरा रीड करते हैं। पहला कौन सा है, प्रीलिमिनरी, हर एक्ट का पहला चैप्टर यही होता है, प्रीएम्बल और डेफिनेशन वाला, क्लियर है। दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड इट्स एजेंट्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रमोटर्स 11 से लेके 18, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अलॉटी सेक्शन नंबर 19, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 20 से लेके 40, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल 41 से लेके 42, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल दैट इज 43 से लेके 58, ऑफेंस पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन 59 से लेके 72, फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट्स एंड रिपोर्ट 73 से लेके 78 एंड मिसलेनियस प्रोविजन 79 से लेके 92। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें से सभी के सभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिलेक्टेड एरिया डाले हैं आईसीआई ने, थैंक गॉड, क्लियर कॉन्सेप्ट कि पूरे नहीं पढ़ने हैं, ये खुशी की बात है, स्माइल दो मेरे को, ठीक है। सो पूरे 92 सेक्शंस हमको नहीं पढ़ने हैं, हमको फिलहाल सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज पढ़ने जो आईसीआई ने दिए, और मैंने आपका जो नोट्स है वो टेंटेटिवली आईसीआई मॉड्यूल को देखते हुए बनाया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर।
ये चीज होने के बाद अब नीचे जो शुरू होता है वो कुछ ऐसा शुरू होता है जो खत्म ही नहीं होता है। देखो उसको जरा, पूरा गांव भर का पसारा जितना हो सकता है रेरा का, आप ऐसा समझ लो कि रेरा का शॉर्ट में समरी कि कितनी चीजें रेरा में हैं ये लिखा है यहां पे, ठीक है, पूरे रेरा का शॉर्ट समरी क्या 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 उसके अंदर दिया है। अब ये चीज को ना हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये चीज को हम एक बार पूरा रेरा खत्म कर दे उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो भी काला अक्षर भैंस बराबर, समझ में आ रहा है? मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा हूं पर काला अक्षर भैंस बराबर ये बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये चीज को तुमने याद रखना है बेसिकली कि रेरा के अंदर फिलहाल हम इस चीज को नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कब पढ़ेंगे बोले एक बार रेरा खत्म होने के बाद। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में अगला आता है स्कोप ऑफ द रेरा, दिख रहा है सबको? इसको हम जरा पढ़ना शुरू करते हैं, यहां पे हमको रेरा की अप्लीकेबिलिटी समझ में आएगी। रेडी? अब एवरीबॉडी, मैं चाहूंगा हर चीज मेरे साथ साथ में पढ़ना, पढ़ने की थोड़ी सी आदत लगाना, ओपन बुक सिस्टम है, बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। रेडी? पॉइंट नंबर वन, स्कोप ऑफ द रेरा, एवरीबॉडी बोलो क्या है? द एक्ट कवर्स बोथ रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तुम चाहते हो कौन कौन से प्रोजेक्ट है? रेसिडेंशियल एज वेल एज कौन सा बोले एक बार उसे? कमर्शियल। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखते जाऊं, पॉइंट नंबर वन के हिसाब से रेरा कवर्स बोथ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से बोले एक बार उसे? रेसिडेंशियल एज वेल एज कौन सा बोले एक बार उसे? कमर्शियल। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडेंशियल? हाँ, जहां पे जाके लोग रहते हैं, बोलो हाँ है ना, लोग रह सकते हैं, ऐसा वाला प्रोजेक्ट? आर यू श्योर? पक्का श्योर? ट्रिपल श्योर? मतलब शोर से भी ज्यादा शोर? अरे बोले ना हाँ है ना। मैंने तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में डॉक्टर्स को ऑफिस सेट करते हुए देखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी ऑफिस सेट करते हुए देखा है, लॉयर्स को भी ऑफिस सेट करते हुए देखा है, पर वो तो कमर्शियल एंटिटी है। मैं तो रेसिडेंशियल में इन लोगों को काम करते हुए देखा है। अब वो रेसिडेंशियल हुआ या कमर्शियल हुआ? कमर्शियल में लोग रह नहीं सकते। मैं तो कितने सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में वॉचमैन केयर टेकर्स को रहते हुए देखा है। ये सवाल है भाई, तुमको एक क्वेरी समझ में नहीं आएगी तो कैसा होगा आगे? सो टेल मी, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर, हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ऑफिस डाल सकते हैं? इमेजिन कि कोई फ्लैट स्कीम है 10 फ्लैट की, उसके अंदर 9 रेसिडेंशियल है और तुम्हारा एक आधे का अकेले का ऑफिस है सीए का, एंड सबके लोगों के रिटर्न तुम ही फाइल कर रहे हो, तो तुम ट्राई करोगे ना जिंदगी में जिस बिल्डिंग में हो उनके रिटर्न ले लो करके? सो बोलो क्या उसको रेसिडेंशियल मानो या कमर्शियल मानो? बताओ, डॉक्टर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और लॉयर्स को, ये 3 कैटेगरी के लोगों को रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में भी कमर्शियल ऑफिसेस सेट करने का परमिशन ये गवर्नमेंट ने देके रखा है। दैट्स व्हाई इवन डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर कोई फ्लैट परचेस करे तो उस केस में उसका रेसिडेंशियल का स्टेटस रेसिडेंशियल होता है, बिकॉज दे कैन प्रैक्टिस इन अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? तो उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो रेसिडेंशियल में भी मैं नॉर्मल रेसिडेंस ले रहा हूं, या फिर ऑफिसर्स ऑफ प्रोफेशनल भी रेसिडेंशियल के अंदर आएंगे, ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल्स, समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर कमर्शियल प्रीमाइसेस नहीं ले सकते, वो तो ले सकते ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी अलाउड है, ये मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ड्रॉ कर लो उसको। नॉर्मली तीनों को ही अलाउड है, इसके ऊपर भी 2-4 लोग हैं जिनको ये अलाउड है, पर उनकी सिस्टम में हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे, वो सब्जेक्ट पर एक्सेप्शन, और कुछ ही गवर्नमेंट उनको अलाउ करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, इनको भी अलाउड है, बट कुछ गवर्नमेंट्स हाँ बोलती है स्टेट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ना बोलती है, लेकिन ये 3 तो फिक्स है, नॉर्मली इन तीनों को रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम करना अलाउड है। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना?
आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चलो जाते हैं पॉइंट नंबर टू के ऊपर, आ जाओ। द ऑनगोइंग और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर दिस एक्ट। एनी बिल्डिंग विच इज नॉट हैविंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आर कवर्ड एज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जिस बिल्डिंग को कंप्लीशन या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, हम उस बिल्डिंग को भी रेरा के अंदर कवर अप कर लेंगे। मतलब कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट डज नॉट हैविंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब सवाल उठता है, व्हाट डू मीन बाय ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट? सर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब क्या? आ जाओ नीचे फटाफट डेफिनेशंस के अंदर, ओ ढूंढो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। मिल गया सबको? पेज नंबर है 3.9, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिख रहा है सबको? एवरीबडी ये सुनो, चलो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को रीड करते हैं। कोई भी चीज बीच में छोड़नी नहीं, क्रॉस रेफरेंस में लगे खत्म कर देना, ठीक है? मीन्स ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वाह नशे शुरू हो गए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मीन्स ऑक्यूपेंसी, तुम पागल हो, तुम पढ़ने आए यहां पे? मैं तो सबसे बड़ा पागल हूं जो मैं यहां पे पढ़ाने आया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब क्या है। आगे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मीन्स ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रात को तुम्हारे सपने में आने वाला है, और सच अदर सर्टिफिकेट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिटिंग ऑक्यूपेशन ऑफ अ बिल्डिंग। परमिटिंग ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? सर आर्टिकल शिप ना। व्हाट इज बिल्डिंग्स ऑक्यूपेशन? सर स्टैंडिंग। अरे बोलो, व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग? ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसके अंदर लोग उसको यूटिलाइज कर पाए। सो ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग से धोखा मत खाना। ऑक्यूपेशन वर्ड नॉर्मली हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं, बट ऑक्यूपेशन मीन्स पर्पज। ऑक्यूपेशन यहां पे कौन सा सेंस में लिया है? पर्पज। तो बिल्डिंग का पर्पज क्या है? कि उसको लोग यूटिलाइज कर पाए। समझ में आया? सो वापस सेंटेंस पढ़ना, बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिटिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग खुद का पर्पज सर्व करने वाली है। ये जब अथॉरिटी बोलेगी, पर्पज कौन सा सर्व करेगी? कि लोग उसके अंदर रह सकते हैं। ये पर्पज जब बिल्डिंग सर्व करेगी, तो उस वक्त एज प्रोवाइडेड अंडर लोकल लॉज, लोकल लॉज मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉ, जैसे पुणे में पीएमसी। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पुणे में कौन देगा? पीएमसी। तो हाँ लिख के रखो, इन पुणे पीएमसी। और जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, उन्होंने उन एरियाज के एमसीज लिख देना, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे वो सब। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एमसी मतलब निकम, अच्छा सोचो करो, ठीक है? लेट्स गो आगे। विच हैज अ प्रोविजन फॉर अ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिनको प्रोविजन है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के, कम से कम पीने का पानी, रहने के लिए साफ सुथरी जगह, सीवेज वगैरह एंड इलेक्ट्रिसिटी। सैनिटेशन में क्या क्या आता है? सर सैनिटी इंसान साउंड होना, वो वाला नहीं। व्हाट इज सैनिटेशन? प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर सीवेज सिस्टम्स, क्लियर है? एंड साफ सफाई वाला एरिया, क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो जहां पे पानी है, पानी दोनों टाइप का है। व्हेन दे से वाटर, वाटर के भी इंटरप्रिटेशन दो है, यूसेज वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई ऐसा सोसाइटी है जिसमें सिर्फ यूसेज वाटर है बट ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इट इज टू बी कंस्ट्रूड एज अ क्वेश्चनेबल एंटिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में यूसेज एंड ड्रिंकिंग वाटर दोनों होने चाहिए, ये कम से कम बोला है। सैनिटेशन के अंदर आपका सीवेज आएगा, आपका पाइपलाइंस, आपका जितना भी एक्सक्रीट्स वगैरह जो भी होता है वो उसका सैनिटेशन आएगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसिक कैटेगरी। कंसेप्ट समझ में आया? ये तीन चीजें होनी चाहिए। सो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? एनी सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। सब जन बोलो, क्या बोलना है? एनी सर्टिफिकेट बाय क्या है? वॉट एवर नेम कॉल्ड इशूड बाय अ कंपिटेंट लोकल अथॉरिटी। इशूड बाय किसने बोला एक बार? कंपिटेंट लोकल अथॉरिटी विथ अ परमिटिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ द बिल्डिंग एज बाय लोकल अथॉरिटी विच प्रोवाइड्स फॉर अ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर थिंग सच एज वाटर सैनिटेशन एंड सीवेज। अब इसको अगर मैं छोटे से डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं, सो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी डिवाइडेड मेनी पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला एरिया आएगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब क्या? सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, क्योंकि इसको कई बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कई बार वॉट एवर नेम कॉल्ड इशूड बाय लोकल अथॉरिटी
permitting occupation of building. And consisting of basic facilities such as water, sanitation, and kya tha? Electricity. Likh lo isko. जहां डेफिनेशन दी जाती है उसी के साइड में उसको लिखना. नॉर्मली साइड का ब्लैंक पेज अपन ने उसी के लिए दिया है, डेफिनेशन के साइड में. लिख लिया सबने? तो अभी आपको बार बार पूरा डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिंपल एज दैट. सर्टिफिकेट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इशूड बाय लोकल अथॉरिटी, ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ फैसिलिटी ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. खत्म बात. इजी हो गया है ना. अब हम ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के ऊपर कहां से आए थे? चलो वहां पे वापस. किधर से आए थे? यहां से आए थे. बोलो हाँ है ना. लेट्स गो. तो हम पढ़ रहे थे रेरा किसको एप्लीकेबल होता है? किसी भी ऑनगोइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, एंड ऑल्सो इंक्लूड अंडर दिस एक्ट एनी बिल्डिंग विच इज नॉट हैविंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड कवर्ड एज अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. मतलब ऐसा हो सकता है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, इसके लिए भी मैं यहां पर इंटरप्रिटेशन देना चाहूंगा. बहुत अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं. नाउ कवरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हम यहां पे कवर कर रहे हैं? डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, लिखते जाओ. द प्रोजेक्ट्स विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग. और दूसरा रेरा किसको एप्लीकेबल है? द प्रोजेक्ट्स विच आर कंप्लीटेड. द प्रोजेक्ट्स विच आर कंप्लीटेड बट नो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. But no occupancy certificate. बेटा ये वहीं पे लिखना जहां पे आपकी एप्लीकेबिलिटी, जिस एरिया का कंटेंट पढ़ रहे हैं ना उसी के साइड में लिखना, नहीं तो बाद में ओपन बुक सिस्टम में आप खुद कंफ्यूज होगे कौन सी चीज के लिए क्या लिखा है. क्लियर है? तो उसी के साइड में लिखने की कोशिश करना. फिर वहां जगह नहीं बच्चे ऊपर नीचे लिख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट टास्क. लेकिन साइड का पूरा पेज ब्लैंक रखने की इच्छा ही इसलिए थी कि जहां का जो पढ़ रहे उसके साइड में वो लिखा रहे. क्लियर है? समझ में आया? सो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कवर हो रहे? जो ऑनगोइंग नॉन ऑक्यूपेंट प्रोजेक्ट है वो वाले. तीसरा, द एक्ट नाउ मैंडेट्स अ प्रोजेक्ट ऑन अ 500 स्क्वायर मीटर एरिया और विथ 8 फ्लैट्स टू बी रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी. मतलब पूरा ध्यान बोर्ड पे है. इसका मतलब यह है प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग है अंडर कंस्ट्रक्शन या जो कंप्लीटेड है पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, अगर ये प्रोजेक्ट्स का टोटल एरिया, टोटल एआरईए कंस्ट्रक्शन एरिया नहीं, कितने फ्लैट बेच रहे हो वो एरिया नहीं, सिर्फ एमिनिटीज वाला एरिया नहीं, टोटल एरिया कितना लैंड है, टोटल लैंड जो एरिया में इन्वॉल्व है is more than or equal to 500 square meter. कितना जोर से बोलो, 500 square meter. और अगर वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है flats more than or equal to 8 flats, more than equal to 8 flats, तो इनको रेरा लग जाएगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इनको क्या लग जाएगा? रेरा. ड्रॉ कर लो इसको छोटा सा फटाफट उसी चार्ट को कंटिन्यू करते हुए.
ओके, अगर किसी के ऑक्यूपेंसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आ चुके हैं तो उनको रेरा एप्लीकेबल होगा क्या? उनको रेरा एप्लीकेबल होगा? देखेंगे, विल सी। फिलहाल तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमको नहीं लग रहा। ये सुनो, चलो ये अब जो 500, मुझे बताओ रेरा किस किस को एप्लीकेबल, एक बार वापस बोलो। पहले किसको? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑनगोइंग, और दूसरा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आए, कि इनको रेरा लगाना है। हाँ, पहले प्रोजेक्ट कौन से होने चाहिए? एक तो 500 स्क्वायर मीटर एरिया वाले, या कम से कम कितने फ्लैट्स होने चाहिए? 8, तो जाके उसको रेरा लगेगा। 8 फ्लैट से छोटी स्कीम है, रेरा लगने की जरूरत है क्या? नहीं। अब जरा यहां पे आ जाना नीचे, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक छोटा सा ये बनाया है बॉक्स, ठीक है, इसको देखते हैं। पूरा ध्यान बोर्ड पे। एप्लीकेशन ऑफ रेरा फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए बोल रहा हूं मैं, ये कमर्शियल का नहीं है, बिकॉज इन्होंने फ्लैट्स मेंशन किया यहां पे। पहला एरिया बोर्ड पे ध्यान दो जरा, प्रोजेक्ट इज मोर देन इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर। दूसरा, प्रोजेक्ट इज लेस देन 500 स्क्वायर मीटर। प्रोजेक्ट हैविंग मोर देन इक्वल टू 8 फ्लैट्स, प्रोजेक्ट हैविंग लेस देन 8 फ्लैट्स। बिकॉज ये दोनों कंडीशन देखने, क्योंकि दोनों में और लिखा है, एंड नहीं लिखा। और लिखा मतलब कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया तो भी आपको रेरा लग जाएगा। अब पहला, प्रोजेक्ट इज मोर देन 500 स्क्वायर मीटर एंड प्रोजेक्ट हैविंग मोर देन इक्वल टू 8 फ्लैट्स, ये एकदम नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं, 8 फ्लैट से ज्यादा, 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, मुझे तो रेरा लगेगा क्या? एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेरा है एप्लीकेबल। ओके, दूसरा ब्लॉक, प्रोजेक्ट इज लेस देन 500 स्क्वायर मीटर बट प्रोजेक्ट हैविंग मोर देन 8 फ्लैट्स, बोलो रेरा एप्लीकेबल है क्या? हाँ। क्यों एप्लीकेबल है? मोर देन 8 फ्लैट्स की वजह से। शानदार, देखो घर खरीदने का प्लानिंग चालू हो गया तुम्हारा। आगे फिर, अगर प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है पर फ्लैट्स लेस देन 8 है। सर कैसे? सर प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा और फ्लैट सिर्फ 5, बड़ा फ्लैट होगा, हो सकता है 10 BHK, नेवर नो, 50 BHK, ज्वाइंट फैमिली, पूरी फैमिली ज्वाइंट, समझ में आ रहा? अरे मतलब, सो ऐसे सिचुएशन में लेस देन 8 फ्लैट्स, तो मुझे एक बात बताओ, इसको रेरा लगना चाहिए क्या? यस, एप्लीकेबल। समझ में आ रहा? व्हाट इफ प्रोजेक्ट इज लेस देन 500 स्क्वायर मीटर एंड प्रोजेक्ट्स आर लेस देन 8 फ्लैट्स, एप्लीकेबल है क्या? नहीं, बच गए एग्जाम्ड। रेरा वेरा कुछ लगने की जरूरत नहीं है, मतलब आप जितना भी हिट्री विट्री तुमने सब पढ़ा वो सब कुछ लेन देन नहीं, तुम तुम्हारे हिसाब से जो प्रोजेक्ट बनाओ जैसा चाहिए वैसा बेचो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, 500 स्क्वायर मीटर मतलब नियरली कितना फुट, ये भी जानना, अब रेरा में ये भी जानना जरूरी है कि अच्छा कितना मीटर मतलब कितने फुट मतलब एक मीटर, नियरली आप ऐसा कंसिडर कर लो 3 फुट, टेंटेटिवली 3.75 फुट इज इक्वल टू 1 मीटर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पर स्क्वायर मीटर में अजीब हो जाता है क्योंकि आप डिस्टेंस नहीं गिन रहे, आप एरिया गिन रहे हो। तो 500 स्क्वायर मीटर मतलब कितने फुट? सर ये गूगल बताता है तो हम याद क्यों करें, हा ना? सो कितने होने चाहिए टेंटेटिवली? हा, 10 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर्स को। होमवर्क लिखो, आज आपने 500 स्क्वायर मीटर का फुट में निकाल के देना, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट तुमको स्क्वायर फीट में बेचा जाएगा। ऐसा नहीं है तुम्हारा प्रोजेक्ट तुमको स्क्वायर मीटर में बेचा जाएगा। तुम जब फ्लैट खरीदने जाओगे ना, लोग तुमको बोलेंगे, बिल्डर तुमको बोलेगा कि ये इतना स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है। अभी नहीं देखना है होमवर्क, इसलिए होमवर्क क्लास में नहीं करते, ठीक है? लेट्स गो। इधर तो देख भी लिया होगा भाई ने, फोन ऑन खोल के है, हो गया, कितना है बोली दो। अच्छा नीचे, सो व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी, ये हो गया रेसिडेंशियल के लिए, रेसिडेंशियल वाला समझ में आया। अब मेरे को एक सवाल आया है, बड़े जोर से आया है, बहुत ही जोर से आ गया, पूछो क्या? ये तो रेसिडेंशियल का हुआ, व्हाट अबाउट कमर्शियल? कमर्शियल का क्या आगे आएगा? आगे पढ़ते हैं अपन, देखते हैं आता कि नहीं आता, लेट्स सी, ठीक है? चांसेस तो ऐसे कम है बट पढ़ते हैं। द बिल्डर हैज टू प्रोवाइड अ 5-year वारंटी फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। ये मैंने ऑलरेडी डिफरेंस में बोला या नहीं बोला आपको? अंडरलाइन करो बकायदा, आपको हो सकता है केस स्टडी आ जाए कि एक बंदे ने फ्लैट परचेस किया, 4 साल बाद क्लेम किया कि उसके घर के दरवाजे बहुत बचते हैं, रात को खड़खड़ खड़खड़। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है क्या? एंड स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का मतलब, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में क्या क्या आएगा ये भी देखना जरूरी है। हाँ,
they are liable to pay equal rate of interest in case of default and delays. Clear? So equal rate of interest को, हालांकि इसका separate point बनाना चाहिए था, पर इन्होंने combine ही किया है. सर इन्होंने मतलब ICAI है. Clear? मैंने सिर्फ institute का जितना content मेरे को पसंद है, वो लेने का काम किया है यहाँ पे. आगे, the alert. A project plan, to alert a project plan, structural design and specification of the plot, apartment, building, the promoter has to get a consent of minimum, alert नहीं है, alter लिखो वहाँ पे, पागल हो गए ये, alter चाहिए, बराबर ही था ना, कि मैंने गलत लिखा, to alter चाहिए, alert नहीं, alert मतलब project को alert कैसे करेंगे, project alert हो जाए, ठीक है, so अब पढ़ना उसको, to सुस्त रत्नो पढ़ना है उसको साथ में बन टू थ्री बोलो क्या है टू अल्टर द प्रोजेक्ट प्लान स्ट्रक्चरल डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लॉट अपार्टमेंट बिल्डिंग प्रमोटर हैज टू गेट अ कंसेंट ऑफ मिनिमम कितना मेंबर्स टू थर्ड अलॉटी आफ्टर नेसेसरी डिस्क्लोजर ये हमारे साथ हुआ था मैंने इधर हड़प सर के पास एक फ्लैट ले आया था बीटी कावड़े रोड के ऊपर और हमारे फ्लैट में 64 अपार्टमेंट्स थे स्कीम किसका था मैं नाम नहीं लूंगा पर बिल्डर ने हमारी स्कीम बांधने के बाद साइड में उसका 2 एकड़ का प्लॉट पड़ा था जिस प्लॉट को कहीं से भी रोड अटैच नहीं था उसने हमारी स्कीम बांध दी और हमारी स्कीम को रोड बना दिया तो वो रोड तो हमारी स्कीम में आया हमारे प्रोजेक्ट एरिया में आया फिर उसको साइड में 2 एकड़ का प्लॉट खाली था जिसके अंदर उसको कंस्ट्रक्शन करना था पर उसके प्लॉट के लिए कहीं से भी रोड नहीं था तो प्लॉट ऐसा बीच में सिर्फ ब्लॉक बन के पड़ा हुआ था उसके तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं था तो उसने फिर हमारी स्कीम वालों को पूछा कि तुम्हारा रोड हम अगर कॉमन एम्यूनिटीज करके उस स्कीम के लिए भी अगर अप्रूव करें और तुमको 2-2, 3-3 लाख रुपए दे दे तो हां बोलोगे क्या हमने नहीं बोल दिया 64 फ्लैट्स में से 2/3 का आपको कम से कम अप्रूवल लगता है ठीक है मतलब नहीं कुछ तो भी तो 42 लोगों का उसको अप्रूवल लगेगा कम से कम उस रोड को एज अ कॉमन रोड यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इट वाज समथिंग लाइक दिस अगर मैं कंस्ट्रक्शन साइट बोलूं तो दिस वाज अ कॉमन पैसेज एरिया और यहां पे हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन साइट था पर ये जो रोड था ये हमारे सोसाइटी का ही रोड था साइड में उसका 2 एकड़ का प्लॉट पड़ा था और उसको 2 एकड़ के प्लॉट के लिए सिर्फ यही एक एंट्रेंस था आजू आजू में पूरी बिल्डिंग बन चुकी थी इधर से भी पूरी बिल्डिंग बन चुकी थी तो एक ही एरिया था जिसको वो कर सकता था तो उसने हमको पूछा कि इसी रोड से यहां पे हम एंट्रेंस निकाल दे तो ये सिंपली साइड नहीं दे सकते क्योंकि जब भी आप क्योंकि 2 एकड़ का अगर उसने 2-3 एकड़ का भी एरिया बोल दिया तो वहां पे कम से कम वो 100 से 150 अपार्टमेंट खोल सकता है ठीक है करंट सैंक्शन प्लान के हिसाब से रोड का ट्रैफिक कितना बड़ा हो जाएगा ठीक है बदले में वो दे कितना रहा है 2-3 लाख मतलब आपके सोसाइटी का नियरली 33% ऑफ द स्क्वायर फीट एरिया उसको बेच रहे हो जिसके बदले में वो तुमको सिर्फ 2-3 लाख रुपए दे रहा है नॉट अ गुड डील स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट करना चाहिए और उतना कंसिडरेशन पूरे सोसाइटी में बांटना चाहिए कंसेप्ट समझ में आ रहा है इस चीज को याद रखना ये तुम्हारे साथ भी जिंदगी में हो सकता है आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं क्या हो गया घर के सपने देखना शुरू कर दो तुम तुम्हारे काम में आएंगे ये ठीक है लेट्स गो आगे बढ़ते सोचना शुरू कर दिया क्या वेरी गुड रिवाइज कर रहे हैं क्या ओके आगे Promoter shall not advertise, market, book or sell any plot or apartment or building without registration of real estate project with the RERA. बिना registration के आप कोई भी चीज नहीं आज के डेट में तो बहुत सिंपल है कोई भी होर्डिंग देख लो किसी भी बिल्डर का नीचे लिखा रहता है महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और मैं आपको बताऊं ये इतना प्रैक्टिकल है रेरा की साइट खोल के देखेंगे कल परसों के लेक्चर में और एक दो बिल्डर के चाहिए तो आप नंबर ढूंढ के ला लेना ऑनलाइन यहां पे अपन डाल के देख लेंगे कि वो प्रोजेक्ट रेरा के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं है ये इतना प्रैक्टिकल है महारेरा रजिस्ट्रेशन का पूरा साइट है जिसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं फिलहाल तो हम प्रिलिमिनरी में है कल परसों ये होगा ही होगा आगे द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एज मेंशन बाय द बिल्डर इन एप्लीकेशन फॉर्म जितने पीरियड के लिए प्रोजेक्ट है उतने पीरियड के लिए उस पीरियड के बाद में इसका सोसाइटी बन जाना चाहिए क्लियर है एक बिल्डर रहता है बिल्डर जब सभी फ्लैट बेच देता है तो उसकी सोसाइटी क्रिएट करता है क्या क्रिएट करता है सोसाइटी आगे द एडवर्टीजमेंट और द प्रोस्पेक्टस इशूड बाय प्रमोटर शैल मेंशन अ वेबसाइट एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी आपने उस अथॉरिटी का कौन सा एड्रेस मेंशन करना जरूरी है बोले बार वेबसाइट नीचे द अलॉटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक ऑल द पेमेंट्स ऑन टाइम एंड प्रॉपर एट प्रॉपर प्लेस आपको पता है बिल्डर किस तरीके से पैसे लेते हैं आपसे सुना है कभी नहीं पता आपको बताओ सुनना चाहोगे
घर खरीदना है? अरे बोलो ना, हाँ यार। समझो तुमने एक 10 फ्लोरिड बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है, तुमने एक 10 फ्लोरिड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, लेट्स इमेजिन। तो बिल्डर नॉर्मली आपसे जो पैसा लेता है ना, रेरा के अंदर स्टार्टिंग में वो सिर्फ 10% ले सकता है एज अ बुकिंग अमाउंट। एज अ कौन सा अमाउंट बोले एक बार? बुकिंग, ओनली बुकिंग अमाउंट। वो कितना ले सकता है बोले एक बार उसे? 10%। फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन डेवलप होता है वैसे वैसे वो पैसा उठाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लैब गिर गया, फर्स्ट लैब मतलब पहला फ्लोर का स्लैब गिर गया तो आपको मांगेगा 5%, दूसरे फ्लोर का स्लैब गिर गया और 5%, तीसरे फ्लोर का स्लैब गिर गया और 5%, चौथे फ्लोर का स्लैब गिर गया और 5%, पांचवे फ्लोर का, ऐसे 5-5%, 5-5%, 5-5% स्लैब पे, ठीक है। अब 10 फ्लोर के स्लैब टोटल 5% अगर वो जमा करेगा तो ये 10% प्लस 50% हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा बोले एक बार? 60%। फिर इसके बाद में वो शुरू करेगा ब्रिक वर्क। व्हाट इज ब्रिक वर्क? अभी तो सिर्फ स्लैब पड़े है ना, अभी उसके दीवारें कहां खड़ी की है, तो ब्रिक वर्क मींस दीवार खड़ी करना। वो दीवार खड़ी करने पे ऊपर मांगता है आपको 20% कि आपके फ्लैट की दीवारें खड़ी हो गई तो 20% एक साथ पे करना। सब समझ में? आपके फ्लैट के, वो फिर किसके फ्लैट की कब होगी, किसके फ्लैट की कब होगी वो उनका प्रॉब्लम, पर आपके फ्लैट की दीवारी खड़ी हो गई, आपने फ्लैट चेक कर लिया कि भैया हाँ रफ वर्क पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है, 20%। फिर उसके बाद में वो 10% लेता है फॉर टाइलिंग, फ्लोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वुडन फ्रेम्स, इसके दरवाजे के, बालकनी क्लियर करना, इन सब चीजों के लिए वो लेगा 10%। अब आप पहुंच गए नियरली 90% पे, बोलो हाँ है ना। फिर वो देगा आपको पोजीशन 10% रिगार्डिंग यू कैन से एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्लियर है। और फिर वो एंड में 10% आपको मांगता है एट द टाइम ऑफ पोजीशन। एक बार आपने पोजीशन कंप्लीट, उसने पोजीशन आपको दे दिया, उस वक्त 10% का चेक दे देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? फिर लोग बोलते हैं सर आधा पैसा पे करके एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है क्या? हाँ, आप जब पहला 10% बुकिंग अमाउंट पे कर दो तभी भी एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। एग्रीमेंट टू सेल मतलब सेल आगे करेंगे, अभी सिर्फ एग्री कर रहे हैं। आइडिया क्लियर है? एक बार आपने पूरा 10% दे दिया फिर बनाते हैं सेल डीड। सेल डीड मतलब सेल खत्म हो गया, क्लियर है कंसेप्ट? इस तरीके से बिल्डर आपसे पैसा वसूलता है, ये चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट? मैं आपको एक दिन कॉस्ट शीट भी दिखाऊंगा कि एक कॉस्ट शीट के अंदर कितनी कितनी चीजें वो लगाते हैं, मतलब पर स्क्वायर फीट रेट, फिर उसके ऊपर वो लगाते हैं भैया पार्किंग का अलग से पैसा, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से पैसा, उसके ऊपर आपके फ्लैट में कोई अगर एक्स्ट्रा फर्नीचर लगाया एसी वगैरह एक्सेट्रा उसका पैसा, गीजर उसका पैसा, सोलर पैनल, वाटर हीटर, एमिनिटीज का अलग पैसा, फिर उसके ऊपर वो लगाते हैं जीएसटी। तो आपको एक दिन कॉस्ट शीट भी अपन ओपन करने ही वाले हैं, डोंट वरी। आगे, वेयर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आर टू बी डेवलप्ड इन अ फेज, एवरी सच अ फेज शॉल बी कंसिडर्ड एज अ स्टैंड अलोन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। नांदेड़ सिटी, पुणे में नांदेड़ सिटी सुना है? ऐसा हर एरिया में सिटी होता है, जैसे मुंबई में हीरानंदनी स्टेट, क्लियर है कंसेप्ट सबको? आपको पता है ये नांदेड़ सिटी में कम से कम कितने 40-50 बिल्डिंग होंगे? क्या बिल्डर ने 40-50 एक साथ बांध दिए होंगे? ये इसको डिवाइड करते दो तीन फेज में। नांदेड़ सिटी का फेज वन लॉन्च हो रहा है, नांदेड़ सिटी का फेज टू लॉन्च हो रहा है। जैसे आपने हिंजेवाड़ी का सुना होगा, पुणे में हिंजेवाड़ी फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, सेम हर एक का एक एक फेज होता है। और इसमें रेरा में एक फेज को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, क्लियर है सर? फेज का मतलब बिल्डिंग नहीं, एक साथ आप कितने कंस्ट्रक्शन खत्म करने वाले हो। समझो आप 10 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एक साथ खत्म करने वाले हो, वो एक फेज बन गया। फिर आप दूसरी बिल्डिंग शुरू करोगे उसका फेज, पर ये फेज डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट ही, एज पर द डेट्स, क्लियर है? नीचे द रियल एस्टेट एजेंट हु इंटेंड टू सेल एनी प्लॉट फ्लैट रजिस्टर्ड ऑफ अ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैव टू रजिस्टर विद रिस्पेक्टिव स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अभी तक पता है क्या होता था ब्रोकर्स का? ब्रोकर अनरजिस्टर्ड थे, अनऑर्गेनाइज थे। पुणे में ब्रोकरशिप का बिजनेस बहुत ज्यादा है, मुंबई में ब्रोकरशिप का बिजनेस ज्यादा है, दिल्ली में ब्रोकरशिप का बिजनेस बहुत है, बैंगलोर, जो भी मेट्रो सिटीज हो गए ना, ब्रोकरशिप तूफान चलता है। और ये लोग क्या करते हैं? 2% ब्रोकरेज, 1% ब्रोकरेज। मतलब तुमने अगर 2-3 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, लग गया तुम्हारा 3-4 लाख से तो ब्रोकरेज ही ठोक देगा तुम्हारे ऊपर। और ब्रोकरेज किस बात का? कि उसने आपको और बिल्डर को मिला दिया,
बस इसका ब्रोकरेज उसके अंदर उसको 5-10 विजिट हो जाएगी और वो ब्रोकरेज चार्ज करेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा ब्रोकरेज का बिजनेस बैड है, ब्रोकरेज का बिजनेस अच्छा है अगर सर्विसेज उस लेवल की दे। ब्रोकर आपको रियल एस्टेट का बनना है तो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आप जब फ्लैट परचेस करोगे तो आपने ये याद रखना कि किसी भी ब्रोकर से परचेस करो तो रेरा का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलना चाहिए। जब उसके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा तो ही वो बंदा रियल एस्टेट ब्रोकर के नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अदरवाइज इट इज अनऑर्गेनाइज इलीगल ब्रोकर, क्लियर है? और उसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वो आपको फ्लैट बेच दें, बाद में आपको पता ही ना चले कि सेम फ्लैट और चार लोगों को बेचा हुआ है। दिस यू शुड नो, क्लियर है? नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर एटलीस्ट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे ये चीज होने के बाद में नीचे अब सेम सवाल जो मैंने सब तक पूछा था, व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेरा फॉर कमर्शियल एंटरप्राइजेस? एनीवन, रेरा कमर्शियल एंटरप्राइज के लिए कैसे अप्लाई होगा? कुछ बोला है क्या? बोली है 500 स्क्वायर मीटर का जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो कमर्शियल को लगेगा, भले ही ऑफिसेस उसके अंदर कितने भी क्यों ना हो। 8 फ्लैट्स का तो चलो रेसिडेंशियल का है, पर ये कहां पे बोला कि 500 स्क्वायर मीटर का सिर्फ रेसिडेंशियल का है? 500 स्क्वायर मीटर का कमर्शियल भी हो सकता है, रेसिडेंशियल भी हो सकता है। तो नीचे लिखना वहां पे आंसर, अ कमर्शियल प्रोजेक्ट अबव 500 स्क्वायर मीटर, कमर्शियल प्रोजेक्ट मोर देन इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर, अ कमर्शियल प्रोजेक्ट मोर देन इक्वल टू 500 स्क्वायर मीटर is considered for applicability of RERA irrespective of number of commercial shops or commercial premises irrespective of number of commercial shops or commercial premises that builder is selling. बोलिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल पूछा है सर कुछ बिल्डिंग्स में कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों मिक्स होता है, ठीक है? कुछ ऐसे बिल्डिंग आपने देखे होंगे कि जहां नीचे शॉप 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 होते हैं, ऊपर शुरू होता है कमर्शियल, ऐसा है तो 500 स्क्वायर मीटर का एरिया ये तो लगाओगे ही आप रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों मिला के। ऐसा नहीं कि रेसिडेंशियल का 500 मीटर अलग और कमर्शियल का 500 अलग, दोनों मिला के 500 स्क्वायर मीटर। और फ्लैट्स का नंबर आप सिर्फ फ्लैट्स के लिए गिनोगे, कमर्शियल शॉप्स के लिए नहीं गिनोगे, समझ में? समझो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर सिर्फ 4 फ्लैट्स है और शॉप्स बहुत सारे है, ठीक है? तो उस केस में सिर्फ एरिया गिनो, 500 स्क्वायर मीटर हो रहा है क्या? दैट इज द एप्लीकेबिलिटी। समझ में आ रहा है पक्का? ओके, और कोई दिक्कत? पक्का आइडिया क्लियर है? चलो, अच्छा, कुछ फ्लैट्स कमर्शियल और रेसिडेंशियल करके बेचे जाते हैं, जैसे मैंने बोला CA CA CMA के लिए। लेकिन देखो आपके बिल्डिंग का सैंक्शन रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है इसके ऊपर चीजें डिपेंड होगी, भले ही वो खरीद कौन रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बिल्डिंग का अगर म्युनिसिपल सैंक्शन रेसिडेंशियल है तो हम फ्लैट्स और 500 स्क्वायर मीटर दोनों लगाएंगे, आपके बिल्डिंग का सैंक्शन अगर कमर्शियल है तो हम सिर्फ कमर्शियल का लगाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सर नंबर ऑफ शॉप्स इररिस्पेक्टिव क्यों है रेरा में? नंबर ऑफ शॉप्स, देखो फ्लैट ऐसी चीज है ना कि भाई स्पेसिफाइड एरिया में खत्म हो जा सकती है, कमर्शियल जगह के लिए तो भैया कोई लिमिट ही नहीं है ना। किसी को कार शोरूम डालना है उसके अंदर कितने शॉप्स आ जाएंगे? एक कार एक शॉप में खड़ी रहती है, कितने तो भी शॉप्स आ जाएंगे उसके अंदर। किसी को कार शोरूम डालना है तो उसका लेंथ ब्रेड आप गिन नहीं सकते कि कितने शॉप्स होने वाले हैं। किसी को सिर्फ छोटे 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 शॉप बना के बेचने होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपने देखा है हाई स्ट्रीट आजकल हर जगह बनना शुरू हो गया है, हाई स्ट्रीट, और हाई स्ट्रीट में लोग ऐसे छोटे 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 स्टॉल्स लगाते हैं, उसके लिए किसी को बेचना है, इसलिए शॉप्स का नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। तो जो मीटर वाला एरिया है अपना वही हम उसको अप्लीकेबल करेंगे। अब इससे ना मेरे को पर्सनली बहुत सारे खुद को सवाल पैदा हुए कि भाई इन चीजों को रेरा में कवर किया जाना चाहिए क्या। तो मैंने इनको लिखा और एक टेबल ही बना दिया कि आपके चेक करने के लिए कि क्या भाई इन चीजों को रेरा में हम अप्लीकेबिलिटी में लाएंगे क्या। इससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से प्यूरिफाई होगा, ठीक है? लेट्स गो। ये मेरे को खुद को आया, आपको अगर आया तो आप मेरे को बोल सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसी में ऐड करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? लेकिन हम फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट भी फर्स्ट टाइम ही आया है, तो जितना मेरे को सूझा वो मैंने यहां पर डाला है। पहला,
कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेरा में आना चाहिए? अब ये दो तरीके से हो सकता है, नहीं जरा सुनना है इसको, ये दो तरीके से हो सकता है। मैं अगर जेडब्ल्यू मैरियट वाला हूं तो मैं दो तरीके से होटल ले सकता हूं, बना सकता हूं। एक तो मैं खुद कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होकर होटल कंस्ट्रक्ट कर लूं, या फिर मैं किसी बिल्डर को हायर करूं। समझो मैंने बिल्डर हायर किया हीरानंदानी और मैंने बोला जेडब्ल्यू मैरियट का मेरे को होटल शुरू करना है और ये बिल्डर लोग लेते हैं ऐसे टेंडर, ठीक है? तो मैंने बिल्डर को हायर किया हीरानंदानी में, मैं बोला मेरे को ऐसा होटल इतने स्क्वायर फीट का इतना बड़ा ऐसे आर्किटेक्चर में चाहिए, या आर्किटेक्ट भी तू लगा, इंटीरियर डिजाइनर भी तू लगा, सब तू लगा, सिविल कंस्ट्रक्शन भी तू लगा, प्लान सिर्फ मेरे से अप्रूव करवा लेना। और मैंने उसको पूरा प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर दिया, क्या ये रेरा में आएगा? मैं खुद कर रहा हूं तो क्या ये रेरा में आएगा? और क्या मैंने किसी और को दिया तो रेरा में आएगा? कैसा? या दोनों रेरा में आएगा? आपके पास चार ऑप्शन है, हाँ है। खुद करे तो नहीं आना चाहिए? ओके, सेल्फ कंस्ट्रक्ट अगर आप कर रहे हो बिना आउटसोर्स किए तो उसको रेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहां लिख के रखो, फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन जहां लिखा है नॉट एप्लीकेबल। फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन रेरा इज नॉट एप्लीकेबल, क्लियर? बट किसी को आउटसोर्स किया है कमर्शियल सेल के लिए कि वो बनाए और मेरे को सेल करे, कि वो बनाए और मेरे को सेल करे। देखो बात बहुत सिंपल है, मैंने ये नहीं बोला कि वो बनाए और मैं उसको सैलरी दूंगा, या वो बनाए मैं उसको कमीशन दूंगा और कॉस्ट। मैं क्या बोला? वो बनाए और मेरे को सेल करे। वर्ड्स को याद रखना, दैट्स व्हाई मैंने वर्ड यूज किया है कमर्शियल सेल। आउटसोर्स भी गलत वर्ड होगा। आउटसोर्स में क्या होता है कि भाई मैं पैसा देता हूं कंस्ट्रक्शन का, मैं सैलरी देता हूं, मैं वेजेस देता हूं और सामने वाला पर्सन वो काम करके देता है। जैसे आप टेलर मेड कपड़े सीते हो वो आउटसोर्स्ड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वो आउटसोर्स है, टेलर आपको कपड़े आपके हिसाब से बनाकर देता है, आप सिर्फ उसको लेबर पे करते हो। क्लियर है? मैं यहां बोल रहा हूं कि भाई मेरे को जेडब्ल्यू होटल मैरिट बनाना है, मेरे को एक साइट पसंद आई, मैं गया एक आदमी को पकड़ के लाया हीरानंदानी, मैंने उसको बोला ये साइट मेरे को पसंद नहीं, यहाँ पे मेरे को होटल चाहिए। हीरानंदानी वाला मैं बोला बोले मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा, तुमको 4 करोड़ में बेचता हूं, खरीदोगे क्या? मैंने बोला हाँ। ये कमर्शियल सेल हुआ। मैं इसमें उसका लेबर वेबर सब अलग नहीं कर रहा, पूरा धतिंग वो देखे, पूरा प्रॉब्लम वो देखे, मैं सीधा खरीदेगा होटल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो इसमें रेरा लगेगा क्या? यस, रेरा इज एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है पक्का? एक और वहां पे साइड में ऐड करना, अभी सूझा, आउटसोर्स्ड। आउटसोर्स्ड है अगर होटल कंस्ट्रक्शन, आउटसोर्स्ड है। आउटसोर्स मतलब कर कोई और रहा, सिर्फ उसको लेबर कंसल्टेंसी फीस मैं पे कर रहा हूं, इसको रेरा लगेगा? इसको नहीं लगेगा। लैंड मेरी, बिल्डिंग मेरी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मेरी, मैं सिर्फ लेबर पे कर रहा हूं, तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन ही हो गया। क्लियर है? तो आउटसोर्स को भी रेरा नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और डैम्स, रेरा लगेगा? नहीं, ये फ्लैट है, नहीं यहां कोई रहने आ रहा है कमर्शियली, सो नहीं लगेगा। हाँ, आप बेच नहीं सकते उसको, नहीं होल्ड करना है इसमें भी, होल्ड 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 आंसर, हाँ होल्ड, छील मारू पहले, सोच लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और डैम्स को रेरा नॉर्मली नहीं लगेगा। व्हाट इफ इट इज अ मेट्रो स्टेशन? आजकल का ट्रेंड है कि जहां मेट्रो स्टेशन है वहां शॉपिंग मॉल है। हैदराबाद का, पुणे में भी हो रहा है, दिल्ली में तो है ही, मुंबई में भी बने हैं, जहां मेट्रो स्टेशन है वहां मॉल्स बन रहे हैं। सो क्या रेरा अप्लाई होगा? सर तुम ये बहुत ही, तुमको केस स्टडी आया तो मैं क्या करूं क्या? हाँ, मेट्रो अथॉरिटी ने बनाया तो उसको रेरा नहीं लगेगा। चलो इसके ऊपर फिर एक वो भी सवाल ले लेते जो आखिरी वाला है। गवर्नमेंट एंटरप्राइज ने डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स फॉर सेल, गवर्नमेंट एंटरप्राइज कोई प्रोजेक्ट बना रही है सेल के लिए, म्हाडा, म्हाडा सुना है? म्हाडा महाराष्ट्र का अथॉरिटी, हर स्टेट में एक गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है जो सस्ते भाव में घर बनाता है और लोगों को बेचता है, लॉटरी के थ्रू भी क्यों ना बेचे, हर स्टेट में होता है। सो गवर्नमेंट का अथॉरिटी जैसे महाराष्ट्र में म्हाडा है, मुझे बाकी स्टेट के इतने नाम नहीं पता, पर ऐसा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी सस्ते भाव में घर बेचता है, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर महाराज ने घर बनाए ना आपको बेचे, तो क्या इसको रेरा लगेगा? क्योंकि अगर इसको रेरा लगेगा
तो मेट्रो के अंदर जो शॉपिंग मॉल के शॉप्स बेचे जा रहे हैं उसको भी रेरा लगेगा, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? तो सिंपली है, गवर्नमेंट भी अगर फ्लैट या कमर्शियल साइट्स बना के बेच रहा है तो भी रेरा लगेगा, और ऊपर अगर मेट्रो स्टेशन वगैरह, या आप ऐसा कोई कई बार देखना, आप फ्लाईओवर जब बनाते हैं ना, ये अभी तक आया नहीं है, पर चाइना जापान वगैरह में आप जाओगे ना, जहां फ्लाईओवर क्रिएट करते हैं साइड में थोड़ा सा एक्सटेंडेड एरिया क्रिएट करते हैं, या फ्लाईओवर के नीचे कच्चा कंस्ट्रक्शन डालते हैं पूरा, जिसके अंदर शॉप 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 अलग अलग बनाते हैं। आपको कई सारे ऐसे गूगल के ऊपर उनके फोटोज मिल जाएंगे। वैसे भी चाइना में मेन सिटीज में जगह तो कम बची है, मुंबई में भी अपने यहां जगह कम बची है। तो अब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे कि मेट्रो सिटीज को लग के ही शॉपिंग मॉल्स, उसी के पास शॉप्स, कई मेट्रो स्टेशंस के ऊपर शॉप्स रहेंगे, क्लियर है? तो ये सब रेरा के अंदर कवर किए जाएंगे। तो वहां पे लिखना रोड्स एंड डैम्स के लिए नॉट एप्लीकेबल, रोड और डैम के लिए सिर्फ नॉट एप्लीकेबल। बट मेट्रो स्टेशंस विथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रेरा इज एप्लीकेबल, मेट्रो स्टेशन विथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रेरा इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट वाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस थ्रू टेंडर, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस थ्रू टेंडर। गवर्नमेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बिल्डिंग चाहिए था, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बिल्डिंग चाहिए, बना के दोगे क्या ये जगह पे? जगह हमने खरीद लिया, गवर्नमेंट बोल रहा जगह हमने खरीद ली है, आपने आके सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके हमको बेचना है। हजार लोगों ने टेंडर भरे, टेंडर मिल गया डीएलएफ को, क्या रेरा लगेगा? बोलो हाँ है ना, क्या रेरा लगेगा? दिस इज आउटसोर्सिंग, इसको रेरा नहीं लगेगा। लैंड भी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट सिर्फ टेंडर के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करवा रहा है और उनको कमीशन एक्स्ट्रा पे कर रहा है। दिस इज नॉट फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल और कमर्शियल सेल प्रोजेक्ट, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफिसेस इफ इट इज आउटसोर्स्ड। हाँ, अगर ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुकी है बिल्डर की लंबी चौड़ी, बाद में आके गवर्नमेंट ने उसके अंदर ऑफिसेस खरीदे तो रेरा एप्लीकेबल है। कंसेप्ट समझ में? बट पहले से ही लैंड ले ली है और गवर्नमेंट ने बाद में टेंडर लिया कि सिर्फ यहां पे भैया बिल्डिंग खड़ी कर दो, रेरा नहीं लगेगा। कंसेप्ट समझ में? बिकॉज ये सेल के लिए नहीं है, आप बना के दे रहे हो उतना प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको पे किया जा रहा है, क्लियर है? तो वहां लिखना इट इज अ आउटसोर्स्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट। What is outsourced building project? It is outsourced building project. So RERA is not applicable. Full stop. But if building is constructed. And then government purchases the office. RERA is applicable. RERA is applicable. हो गया सबका? बोलो हाँ है ना? नीचे अगला कौन सा है? पढ़ो बच्चों, पढ़ो सब जन, क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमाइसेस फॉर रेंटल अकोमोडेशन, क्या रेरा लगेगा? मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, बेचना नहीं है, सिर्फ भाड़े पे देना है, लीज पे देना है, बेचना नहीं है, सिर्फ भाड़े पे लेना है, लीज पे देना है, मैं 100 फ्लैट बनाऊंगा, सब भाड़े पे दूंगा साले को, रेरा लगेगा? कंपल्सरी रेंटिंग, म्यूनिसिपल से सैंक्शन ही रेंटल का आया है, म्यूनिसिपल से सैंक्शन कंप्लीट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का है ही नहीं, रेंटल सैंक्शन है, लीज सैंक्शन है, तो नॉट एप्लीकेबल। तो लिखो वहां पे नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट वाला बहुत प्रैक्टिकल है और आजकल तो पुणे में बहुत चल रहा है, ओल्ड ओल्ड साइट को उठाते हैं, चॉल वॉल को, और उसको रीडेवलप करके बड़ी बिल्डिंग बना देते, बूम, रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब सुनना इसको जरा, रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर आप कोई नया फ्लैट नहीं बेच रहे,
कोई नया फ्लैट नहीं बेच रहे, जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं को उसके अंदर फ्लैट मिलने वाले, कोई नया फ्लैट नहीं बेच रहे, तो रेरा अप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन करके डीले कर दिया तो उनका एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। समझो हम सब फ्लैट ओनर है, ठीक है, 8-10 फ्लैट ओनर है, हमने एक बिल्डर को बोला हमारी बिल्डिंग रिनोवेट करके दे दे, गवर्नमेंट क्या करेगा उसमें? समझ में आ रहा है? अगर बिल्डर ने डिले किया तो हम डैमेजेस के लिए कंपेंसेशन मांगेंगे, इंटरेस्ट मांगेंगे, वो सिविल कोर्ट में जाके, वो रेरा में नहीं आएगा। तो रिनोवेशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जब तक आप कोई नया फ्लैट बना के नहीं बेचते, नया प्रॉपर्टी बना के नहीं बेचते, नया कमर्शियल एंटरप्राइज बना के नहीं बेचते, तब तक रेरा नहीं लगेगा। क्लियर है? तो हां लिखना, रेरा इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस, रेरा इज नॉट एप्लीकेबल अनलेस, अनलेस न्यू रेसिडेंशियल और कमर्शियल एंटिटी इज क्रिएटेड एंड सोल्ड, न्यू रेसिडेंशियल और कमर्शियल एंटिटी इज क्रिएटेड एंड सोल्ड। ओके, नेक्स्ट वाला, अल्ट्रेशन ऑन ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, क्या रेरा एप्लीकेबल है? ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, रेरा लगेगा? लगेगा, पर अल्ट्रेशन के लिए 2/3 लोगों का अप्रूवल भी तो लगेगा। तो हाँ लिखना, रेरा इज ऑल्सो एप्लीकेबल बट अप्रूवल ऑफ 2/3 कस्टमर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, रेरा इज एप्लीकेबल एंड अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द कस्टमर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लिख लिया सबने? बोलो। और 10 ही बेचे गए हैं तो 10 में से 2/3, ठीक है, ऐसा सवाल ये आने वाला था। सर 100 फ्लैट बेचने हैं पर 100 में से सिर्फ 20 ही बेचे गए, तो 2/3 किसका, 100 का या 20 का? तो सिर्फ 20 का, जितने बेचे गए उनका। नहीं, जिनका ही एग्रीमेंट टू सेल होगा उसका ही 2/3। हाँ, नीचे उसके बाद में गवर्नमेंट एंटरप्राइज, सॉरी उसके नीचे स्टार्टिंग ऑफ फेज 3 ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्या रेरा एप्लीकेबल है? रेरा इज एप्लीकेबल सेपरेटली एज अ न्यू प्रोजेक्ट टू फेज 3, लिखो, रेरा इज एप्लीकेबल सेपरेटली, रेरा इज एप्लीकेबल सेपरेटली as a new project to phase 3, as a new project to phase 3, likh liya sabne? Last wala, government enterprise developing a project for sell, whether RERA is applicable? Bolo haan hai na? Yes, for example MHADA, theek hai, yes for example MHADA, माड़ा मतलब महाराष्ट्र के लिए, आपके स्टेट में कौन सा लोकल या स्टेट अथॉरिटी है जो कंस्ट्रक्शन करता है उसका भी आप नाम लिख सकते हो, MHADA। समझ में? इंटरेस्टिंग है ना बेटा, घर खरीदोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला, बेनिफिट्स ऑफ द रेरा फॉर द अलॉटीज, रेरा ये अलॉटीज को क्या क्या बेनिफिट्स देता है, आर यू रेडी? बोलो हाँ है ना। ओके, सबजन साथ में, द बिल्डर हैज टू प्रोवाइड से, रेडी सबजन साथ साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है? द बिल्डर हैज टू प्रोवाइड, कितने साल की वारंटी है? 5 ईयर वारंटी फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ऑलरेडी हमने देख लिया। सेकंड, द लॉ ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स अ पेनल्टी ऑन डेवलपर्स फॉर डिले इन टू द प्रोजेक्ट, अब कितना पेनल्टी है आगे आएगा। होम बायर्स कुड गेट इजियर एक्सेस टू द लोन एंड वुड बी एबल टू निगोशिएट बेटर टर्म्स विद द लेंडर, ये बहुत भारी हुआ है बेटा। आपको पता है रेरा आने के पहले हर सिटी में ऐसे 5 बिल्डर्स कम से कम होते थे मेट्रो सिटी में, जिनको उस सिटी के मैक्सिमम बैंक ब्लैकलिस्ट कर देते थे, जिन्होंने इसके पहले लोन का रिपेमेंट नहीं किया, जिनके क्रेडिट रेटिंग बेकार है, जिनके प्रोजेक्ट फेल हो गए, उनको ब्लैकलिस्ट कर देते थे। मतलब अच्छी बैंक जैसे HDFC, SBI, ICICI, LIC, ये लोग इनको, इनके फ्लैट ओनर्स को लोन ही नहीं देते थे। फिर ये फ्लैट ओनर जाते थे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास में,
जिसमें और धींगाने होते थे। अब बेसिकली देखा जाए तो ब्लैक लिस्टिंग क्यों होता था, क्योंकि बिल्डर्स प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं करते थे, मन मर्जी टर्म्स लगाते थे। अभी क्या हुआ है, ब्लैक लिस्ट वाला कंसेप्ट ही बिल्डर का फिनिश हो गया, क्योंकि अब नाउ इट इज नॉट अप टू बिल्डर, इट इज अप टू प्रोजेक्ट। तो बिल्डर चाहे कोई भी हो, प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है क्या, ये पहला डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। अगर प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो बिल्डर कितना भी गधा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट सही तरीके से कंप्लीट होगा, ये बैंक को भरोसा है। तो आजकल बैंक जब लोन देती है ना, आपने देखना प्रोजेक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड इन रेरा, बैंक मूव हार्ड रेट बोलती है 12% 15% होम लोन रेट। लेकिन अगर इफ द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड इन रेरा 8.9% 9% 9.5 मैक्सिमम अभी चल रहा है। आइडिया क्लियर है, दिस इज हाउ दिस गोज। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट मतलब बैंक इज सेफ। क्लियर है, तो ये चीज को याद रखना। आगे, रेरा विल बी अप्लीकेबल टू ऑल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, कस्टमर्स हु आर लुकिंग एट द परचेसिंग ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट दैट इज येट टू बी रजिस्टर्ड विद द इंश्योर्ड बेटर प्रोटेक्शन अंडर क्या, एक बार उसे रेरा, कस्टमर सेफ है। द होम बायर विल हैव टू पे ओनली फॉर द कार्पेट एरिया, मैंने बोला था कार्पेट एरिया, आ जाओ कार्पेट एरिया के डेफिनेशन देख लेते हैं, बोला तो लगेज खत्म कर डालने का, रखने का नहीं, ये इधर आ जाओ, मैंने कार्पेट एरिया के लिए तुमको एक फ्लोर प्लान भी दिया है बकायदा, दिख रहा है क्या, मतलब तुम्हारा कार्पेट एरिया फ्लोर प्लान के हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। आर यू रेडी? पहले तो मैं चाहूंगा कार्पेट एरिया मन के मन में पढ़ लो पूरा का पूरा, फिर अपन फ्लोर प्लान पे डिस्कशन करेंगे। ऐसे तुमको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर वाली फीलिंग आ रही है क्या? मेरे को तो पढ़ाते पढ़ाते वही फीलिंग आ रही है। कार्पेट एरिया का डेफिनेशन मन में पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट यू विल नो। पढ़ लिया सबने? अब देखो मैं तुमको रेरा नहीं पढ़ा रहा, मैं तुमको फ्लैट लेना पढ़ा रहा हूँ, साथ में थोड़ा वास्तु का भी ज्ञान दूंगा अभी, ठीक है? तो बहुत अच्छे तरीके से वास्तु वास्तु देखते हो नहीं देखते हो? अरे बोलो ना हाँ है ना। अब ये है फ्लोर प्लान, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। फ्लोर प्लान का मतलब क्या है पहले यह समझना। फ्लोर प्लान मतलब एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स है और उन फ्लैट्स का स्ट्रक्चर क्या है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज फ्लोर प्लान। अब अपने पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने टू फ्लैट ऑन अ फ्लोर का प्लान लगाया है, एज यू कैन सी, इसके ऊपर ही मैं मार्किंग कर रहा हूं, सो आपको थोड़ा सा बेटर लेवल पे समझ में आए इसलिए। क्या हो गया इसको? अरे रिंक नहीं खत्म हुआ, चुप। आगे, हाँ, अब आप देख सकते हो ये फ्लोर पे दो ही फ्लैट्स है, दिस इज अ स्टेयर केस वाला एरिया, कैन यू सी दिस, ये फ्लैट का पूरा लॉबी है, दोनों फ्लैट्स के बीच का लॉबी मतलब कॉमन एरिया, देयर इज अनदर स्टेयर केस, दिस इज अ लिफ्ट, दिस इज वन मोर लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट लिफ्ट, दिस इज डक्ट, डक्ट और वायरिंग आप कह सकते हो, तो डब्ल्यू, दिस इज थर्ड लिफ्ट जिसे स्ट्रेचर लिफ्ट कहा जाता है, आजकल ये भी मैंडेटरी है बड़ी स्कीम्स में, ठीक है। दो फ्लैट कौन से, आप इसको ऐसा डिवाइड कर लो, ये इस साइड वाला, मतलब आप बीच में से इसको बकायदा डिवाइड कर लो, तो इस साइड वाला जो है ये राइट हैंड साइड वाला, इट इज अ वन फ्लैट, और ये इस साइड वाला इज अनदर फ्लैट। क्लियर है? फ्लैट का मेन एंट्रेंस कहां से है, इस फ्लैट का मेन एंट्रेंस यहां से है, दिस इज अ एंट्री पॉइंट, इस फ्लैट का मेन एंट्रेंस यहां से है, दिस इज अ एंट्री पॉइंट। क्लियर है? तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर समझना शुरू होगा, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना वरना समझ में नहीं आएगा। दिस इज हाउ द फ्लैट स्कीम लुक्स। जब आप घर परचेस करोगे तो आपको फ्लोर प्लान ऐसा ही दिखेगा, और इससे भी घटिया दिख सकता है ये, तो इसके अंदर मैंने सब डाइनिंग चेयर वेयर बेड वेड लगा के लाया हूं उसको, आपको इससे घटिया फ्लोर प्लान दिखेगा जिसके अंदर आपको सिर्फ वॉल के सर्किट्स दिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। इसलिए मैंने ऐसा फ्लोर प्लान ढूंढा जिसमें बेड दिख रहा है, लिविंग एरिया दिख रहा है, डाइनिंग एरिया दिख रहा है, काइंड ऑफ दिस। क्लियर? तो अभी ना मस्त ऐसा इसको देखने का, घर जाके खुद का जिस फ्लैट में रह रहे उसका फ्लोर प्लान ढूंढ के निकालने का कि ये ऐसा ही दिखता है क्या। अब देखना इस फ्लोर प्लान में, मैं थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर बोल दूं, बच्चों ध्यान देना, ये इधर का फ्लैट है नियरली 4 BHK फ्लैट, ये फ्लैट है 3 BHK फ्लैट,
ठीक है, 4 BHK में एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, देयर इज अ सेकंड बेडरूम, नहीं देयर इज नॉट अ फर्स्ट बेडरूम, देयर इज अ स्टोर रूम, माय मिस्टेक, देयर इज अ स्टोर रूम, बेडरूम गलत हो गए, देयर इज अ किचन, देयर इज अ डाइनिंग एरिया, देयर इज अ लिविंग एरिया, देयर इज अ बेडरूम नंबर 2, ये बेडरूम 2, ये बेडरूम 1, देयर इज अ बेडरूम नंबर 3, देयर इज अ बेडरूम नंबर 4, ये डब्ल्यूसी, डब्ल्यूसी सब अटैच डब्ल्यूसी है, ठीक है, ये भी डब्ल्यूसी, नहीं है, है हंसना नहीं, घर लेना है अपने को, हंसने का नहीं है, ऐसे बहुत जरूरी है, ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है, टॉयलेट बाथरूम लगेगा ना भाई, है ना, सिर्फ बेडरूम रहेगी तो कैसे चलेगा, डब्ल्यूसी का एब्रिवेशन नहीं पता, वॉशरूम एंड कंट्रोल सिस्टम्स, एनीवेज जो भी है, हाँ डब्ल्यूसी रेस्ट रूम बोल लो, ठीक है, जो भी, अब जरा आना यहां पे बहुत अच्छे से, दिस इज बालकनी, ठीक है, यहां एक और बालकनी है, देयर इज अ 4 BHK फ्लैट स्ट्रक्चर, अब कार्पेट एरिया इसका अगर हमको जानना है तो जरा कार्पेट एरिया के डेफिनेशन पे आते हैं, क्या बोला है, मींस अ नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग, नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग एरिया कवर्ड बाय एक्सटर्नल वॉल, मतलब एक्सटर्नल वॉल से जितना एरिया कवर्ड है सब गायब, मतलब देखो अब मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं वो समझ में आना चाहिए आपको, ये दूसरा पेन लू, दूसरा कलर लू, होल्ड लू, अभी कौन सा ग्रीन चलेगा, हाँ अब देखो दिस वन, यहां से आपका एंट्री है ना, ये ऐसा ऐसा, ऐसा ये इतना एरिया जो मैंने ग्रीन में मार्क करके रखा है, दिख रहा है ग्रीन में कि दिख ही नहीं रहा, जो ग्रीन में एरिया मैंने मार्क करके रखा है उसे हम कहेंगे कार्पेट एरिया का कंसिडरेशन, हाँ इसको हम कार्पेट एरिया के कंसिडर करेंगे, और ये जो एक्सटर्नल वॉल्स का थिकनेस है वो भी एक्सक्लूड करते हुए, अब मैं ये भी बोलूं ये कितना सटीक है, बाहर की वॉल का जो एक्सटर्नल वॉल है ना, वॉल में दो टाइप के थिकनेस होते हैं, एक 14 इंची वॉल और एक 9 इंची वॉल, व्हाट इज 14 इंची वॉल, एक्सटर्नल वॉल हमेशा 14 इंच होगी जिसमें दो ब्रिक्स लगाए होंगे, वन ब्रिक सेकंड ब्रिक 14 इंचेस, और सिर्फ एक ब्रिक लगाया उसे कहते हैं 9 इंची वॉल, बाहर की सभी वॉल नॉर्मली 14 इंचेस वाली होती है, आजकल उसमें भी रेड ब्रिक यूज नहीं करते, आजकल सीमेंट ब्रिक यूज करते हैं वो, तो उसका भी टेंटेटिवली लेंथ 9 इंच ही होता है, तो आप जो ये फ्लैट देख रहे हो ना, इसको लेना है बाहर की 14 इंच वाली वॉल छोड़ के, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, मतलब 14 इंच की वॉल छोड़ के अंदर की, अब अगर अंदर की कोई वॉल है जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये इंक्लूड करनी है कार्पेट एरिया में, इनर वॉल सब इंक्लूड करनी है, आउटर वॉल सब एक्सक्लूड करनी है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, और मैं जहां तक आपको बोल रहा हूं ना, ये कार्पेट एरिया का डेफिनेशन इतनी गहन में क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, सर क्यों आपको इतना पढ़ा रहे हो, आपको बोलता हूं कंफर्म ये डेफिनेशन पूछा जाएगा, क्योंकि पूरे मार्केट में अगर रेरा के बारे में कोई चर्चे है तो एक ही चीज के बारे में सबसे ज्यादा है, वो है कार्पेट एरिया, कंसेप्ट समझ में आया, तो ये पूछेंगे मतलब अभी नहीं, ये अटेम्प्ट नहीं, अगला नहीं, ये कार्पेट एरिया का डेफिनेशन आएगा, मतलब आएगा, तुम कहीं पे भी रेरा गूगल के ऊपर किधर भी सर्च कर लो रेरा के मेन फीचर्स, तो पहले लिखेंगे कार्पेट एरिया, कंसेप्ट समझ में, बिकॉज सुपर बिल्ट अप एरिया में आज तक के बिल्डर लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया है लोगों को, आगे एरियाज अंडर अ सर्विस शाफ्ट, ये देखना एक्सक्लूड करने के लिए, सर्विस शाफ्ट एक्सक्लूजन ऑफ बालकनी और वरांडा भी एक्सक्लूडेड एरिया है, एंड एक्सक्लूजन ऑफ ओपन टेरेस एरिया भी एक्सक्लूडेड है, बट इंक्लूड्स अ कवर्ड एंड इंटरनल पार्टीशन वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट, मैंने आपको इंटरनल वॉल्स ऑलरेडी बोल दिया, अब देखो ये फ्लैट में और क्या क्या एक्सक्लूड होगा देखना, इसको थोड़ा सा कौन सा कलर लू मैं जिंदगी में, येलो कलर ट्राई करते, ठीक है, अब कौन सा एरिया एक्सक्लूड होगा, देखो ये जो डक्ट है ना ये कैंसल, ये जो डक्ट है ये गया, ये डक्ट ये भी गया, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बोलो हाँ है ना,
उसके बाद में ये वाला डक्ट ये भी गया, ये वाला डक्ट ये भी गया, बालकनी पूरी की पूरी गई, ये वाली बालकनी पूरी की पूरी गई। समझ में आ रहा है सबको? ये सब निकालने के बाद जो अंदर बचता है हम सिर्फ उसको क्या कहेंगे? कारपेट एरिया। आइडिया क्लियर है? ये लॉबी वॉबी तो बिल्कुल नहीं है, लॉबी वॉबी बिल्कुल नहीं, मतलब येल्लो से अगर अब मैं मार्क करूं वापस से पूरा एरिया तो इट विल बी रादर विजिबल आई गेस येल्लो से। हाँ सी दिस, स्ट्रेट अवे इतना ही एरिया कंसिडर किया जाएगा आपके कारपेट एरिया में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल वॉल्स की लेंथ छोड़ के इंटरनल वॉल्स इंक्लूड करके। समझ में आया पक्का? क्या हुआ? हाँ, सीलिंग, सीलिंग इज नॉट अ कारपेट एरिया। एक्चुअली मेरे को भी वैसा ही लग रहा है पढ़ाते पढ़ाते कि इट इज सीलिंग, बट अपने पास ऑप्शन नहीं है, अपने को इसका कैलकुलेशन पूछेंगे, ये चीज को अच्छे से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आया? अब आपके इसमें आपको जो मार्किंग अच्छे लगे वो करके रखो, जो नहीं लगे वो छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये पता है क्या, ये कहां का फ्लोर प्लान निकाला? ये मेरे ही फ्लैट का फ्लोर प्लान है एक्चुअली। तीन लिफ्ट है, एक स्ट्रेचर लिफ्ट है और दो लॉबी लिफ्ट है। वो उनका मतलब रेरा में दो सैंक्शन होते हैं, लग्जरी स्कीम सैंक्शन, नॉर्मल स्कीम सैंक्शन। लग्जरी स्कीम सैंक्शन में रेसिडेंशियल लिफ्ट दो लगती है और लॉबी लिफ्ट स्ट्रेचर वाली एक लगती है। नहीं, अरे पर्सनल लिफ्ट नहीं होती वो पूरे बिल्डिंग में एक लिफ्ट होती है ना। हाँ, फ्लोर वाइज फ्लैट वाइज लिफ्ट कंसिडर कर सकते हो। सीक्रेट है, कितने करोड़ वो सीक्रेट है। हाँ? नहीं, रेरा के बाद तो ब्लैक में, और वैसे भी हमारा इनकम ब्लैक में है ही नहीं, मैक्सिमम पेनड्राइव ऑर्डर पूरी की पूरी व्हाइट में ही आती है, तो जीएसटी कट के ही आती है, तो उसको क्या ब्लैक करेंगे अभी जिंदगी में। नहीं, रेरा के बाद में लोगों ने, और डिमोनेटाइजेशन रेरा दो चीजें के बाद में लोगों ने, बिल्डर लोगों ने ब्लैक लेना छोड़ दिया, मतलब तुम ऑफर भी करो तो भी नहीं लेते सच्ची में। और ऐसी स्कीम में तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब गया वाला गेम है। चलो डन एवरीबॉडी, क्या हुआ? नहीं, इसमें से एक रूम तो मेरा रिकॉर्डिंग रूम ही है, जिसके अंदर सब सेटअप वगैरह लगा के रखा है और जिसके अंदर वीडियोस पब्लिकेशंस वगैरह की चीजें बनती रहती है। और वो स्टोर रूम तो उसके अंदर तो बुक्स ही पड़े पूरे के पूरे, बचे हुए तीन रूम हम सिर्फ यूज करते हैं, मैं, मेरे मॉम डैड और मेरी नाना नानी, इतने लोग रहते हैं। और फिलहाल अब बेटा हुआ है तो देखेंगे कहां खेलेगा। तो ठीक है, सो दिस इज हाउ द लाइफ गोज। चलो ये समझ में आया? सो कार्पेट एरिया के लिए नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ द क्लॉज एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरिया मींस द एरिया ऑफ द बालकनी और वरांडा एज द केस में बी विच इज अप्रूटेनेंट टू नॉट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट मेंट for the exclusive use of the allottee. An exclusion of open terrace area means area of open terrace which is appurtenant to the net usable floor area of apartment means for the exclusion use of the allottee. Appurtenant मतलब होता है उस area से supporting area, या उस area के लिए बना हुआ supporting area, वहां पे लिख के रखना supporting area for a main area. चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। सो इसको हम कहेंगे कौन सा एरिया, बोले एक बार जो से कारपेट एरिया, यहां तक समझ में आया पक्का? ओके, ब्रेक चाहिए या आगे बढ़ू? बोलो क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए? चलो मैं चाहूंगा ब्रेक ले लेना 10 मिनट का, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऊपर वाला हो गया था अपना कारपेट एरिया वाला डेफिनेशन होल्ड? नहीं, इसको पहले खत्म कर लेते फिर ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट वाला, द रेरा विल बूस्ट द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस investment to buy of a buyer safer in RERA because 70% of the sales receipt will now be locked in a escrow account. हाँ, ये चीज को याद रखना। किसी भी builder से आप कभी भी पैसा लो, या किसी भी builder को आप कभी भी पैसा दो, बच्चों ध्यान देना, किसी भी builder को आप कभी भी पैसा दो तो उससे वही account number मांगना जो escrow है,
ठीक है, उसी एस्क्रो अकाउंट में आपका फंड डिपॉजिट करना, उसको छोड़ के कहीं और डिपॉजिट नहीं करना, अदरवाइज बिल्डर उसको किसी और प्रोजेक्ट में लगा देगा, वाट आपकी लग जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वाला, डेवलपमेंट हैज बीन मैंडेटरीली डिस्क्लोज एवरी डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन अ वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी और अपडेट देम क्वार्टरली ड्यू टू दिस ग्रेट विजिबिलिटी इन टू अ डेवलपमेंट ऑफ क्या वजह से प्रोजेक्ट। कंसेप्ट समझ में? तो ये एडवांटेज हम किसको देते हैं? बुलेकबाजों से, अलॉटीज को। क्लियर? अब मैं चाहूंगा 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं। गो फॉर इट फास्ट।
स्टार्ट करें, लेट्स गो। ओके, नाउ आफ्टर द ब्रेक हम रेरा के डेफिनेशंस में जा रहे हैं। अब पहली चीज तो मैं आपको डेफिनेशंस के बारे में ये बोलना चाहूंगा, रेरा के बच्चों ध्यान देना, इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा डेफिनेशन कॉपी पेस्ट मारा है। दूसरी बात, तुमको डेफिनेशन में जितने भी डायग्राम दिखेंगे वो मैंने नहीं बनाए, वो सबके सब इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, तो हमको उन डायग्राम्स के थ्रू जाना जरूरी है। तीसरी बात, इंस्टीट्यूट ने कॉपी पेस्ट मारा है, हम पागल नहीं है, हम वही डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो हमारे लिए सच में काम के है। क्लियर है? बोलो। नहीं, वी आर नॉट श्योर कि अभी केस स्टडी बेस जाएंगे क्या, इंस्टीट्यूट इज जस्ट, लास्ट अटेम्प्ट में नॉर्मल पेपर आया था जैसा आना चाहिए था, अभी इस बार कभी मैं पेपर देखने वाला हूँ कि कैसा आ रहा है। मई 20 के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं कि केस स्टडी बेस आने चाहिए करके, कि 25 मार्क के चार सवाल, वैसे तो पांच आएंगे, पांच में से कोई भी चार सवाल आप सॉल्व कर सकते हो ऐसा, बट दैट इज नॉट श्योर। तो अगर अभी केस स्टडी बेस सवाल क्वेश्चन पेपर आया भी, तो सबसे पहली बात है कंसेप्चुअली हमको पढ़ना जरूरी है। वंस कंसेप्चुअली हम क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद में केस स्टडी हैंडल की जा सकती है, पर उसके लिए अगर केस स्टडी बेस आता है तो इंस्टीट्यूट का केस स्टडी मॉड्यूल जो है उसमें से ही हम क्वेश्चन आंसर उठाएंगे हमारे क्वेश्चन बुक को बनाने के लिए, और वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा व्हेनेवर इट हैपेंस। क्लियर? बट अभी उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उसको टेंटेटिवली डाला है और केस स्टडीज इन्वाइट किए, जिसमें कुछ केस स्टडीज मैंने भी प्रोजेक्ट किए कि आने चाहिए करके, चार पांच केस स्टडीज देखे देखे, अब अपने को भी एक्सपीरियंस नहीं है कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है उसके अंदर, तो अब देखते हैं, वंस वी गेट अ नोटिफिकेशन देन वी विल डिस्कस कि इसको किस तरीके से हमको हैंडल करना है। ठीक है? चलो, अब डेफिनेशंस के ऊपर आई विल टेल यू, ऑल डेफिनेशंस आर नॉट कंपलसरी, हम वही पढ़ेंगे जिनका सच में हमको कोई काम है, नहीं तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर, ईयर, कस्टमर ऐसे भी डेफिनेशन दिए है। कंसेप्ट समझ में आया? लेट्स गो। पहला, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मींस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 71। अब ये नहीं पढ़े तो अच्छा था ऐसा लग रहा था मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। आगे एडवर्टीजमेंट, ये जरा ठीक से पढ़ना, थोड़ी काम का डेफिनेशन है। 1, 2, 3 बोलो क्या है। मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइब्ड और इशूड एज एडवर्टीजमेंट थ्रू एनी मीडियम एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट और पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म इन्फॉर्मिंग अ पर्सन अबाउट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और ऑफरिंग फॉर अ सेल ऑफ अ प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, इन्वाइटिंग अ पर्सन टू परचेस इन एनी मैनर एनी सच अ प्लॉट, बिल्डिंग और अपार्टमेंट और टू मेक एडवांस और डिपॉजिट फॉर सच अ पर्पस। सिंपली इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा डायग्राम इसको बायफ्रगेट करने के लिए दिया है, हम उसी को रेफर करेंगे। एडवर्टीजमेंट, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ एडवर्टीजमेंट थ्रू एनी मीडियम, कोई भी डॉक्यूमेंट जो एडवर्टीजमेंट करके डिस्क्राइब्ड है, इंक्लूड नोटिस, सर्कुलर, अदर डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी और एनी अदर फॉर्म, अगर उसको पब्लिसिटी के लिए यूज किया जा रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो हम उसको एडवर्टीजमेंट बनेंगे। क्यों पब्लिसिटी चाहिए? इन्फॉर्मिंग अ पर्सन अबाउट अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, किसी भी पर्सन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऑफरिंग फॉर अ सेल ऑफ अ प्लॉट, बिल्डिंग और अपार्टमेंट, प्लॉट सेल कर रहे हो, बिल्डिंग सेल कर रहे हो, अपार्टमेंट सेल कर रहे हो, उसके लिए। इन्वाइटिंग अ पर्सन टू परचेस इन एनी मैनर सच अ प्लॉट, बिल्डिंग और अपार्टमेंट, किसी भी पर्सन को इन्वाइट करने के लिए कि भैया वो प्लॉट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट आप खरीदे, टू मेक सच अ एडवांस और डिपॉजिट फॉर सच अ पर्पस, या कोई भी ऐसा डिपॉजिट दे ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्लॉट वगैरह को परचेस करने के लिए, इसे हम कहेंगे एडवर्टीजमेंट। समझ में आ रहा है? ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा है इंस्टीट्यूट का दिया हुआ, बट सभी अच्छे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगला, एग्रीमेंट टू सेल मींस एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन अ प्रमोटर एंड अलॉटी कि आगे जाके सेल होगा, काम के डेफिनेशन नहीं है। अगला है अलॉटी, हाँ ये डेफिनेशन थोड़ा सा काम का हो सकता है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। रेडी, लेट्स गो। इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मींस अ पर्सन टू हुम प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग, तीन वर्ड्स याद रखना, आई एम मार्किंग द सेम, ठीक है? प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग, तीनों में से कोई भी, एज द केस में बी, हैज अलॉटेड, जिसको अलॉट किए गए हैं, और सो एड सोल्ड, वेदर एज अ फ्री होल्ड और लीज होल्ड, फ्री होल्ड में बेचा है या लीज होल्ड में बेचा है, और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय अ प्रमोटर and includes the person who subsequently acquire the said allotment through the sale, transfer or otherwise, but does not include a person to whom such a plot, apartment, building are given on rent, are given on, क्या बोलेगा, जैसे rent। अब यहाँ पे आपको एक clarity मिलेगा बहुत अच्छा,
सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहना तो जाके समझ में आएगा बच्चों, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट अच्छे से, लेट्स गो। पहली बात उन्होंने बोला है अलॉटी मतलब एनी पर्सन, होल्ड। अलॉटी मतलब कौन बोले एक बार, उसे एनी पर्सन जिसको आपने क्या क्या अलॉट किया है बोले एक बार। तीन चीजें उन्होंने बोली है, कौन कौन सी? प्लॉट, अपार्टमेंट, या पूरी बिल्डिंग ही भेज दी। सर ये इसका मतलब समझ में नहीं आया, प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग तीनों कैसे भेज, मतलब तीनों में बिल्डिंग कैसे भेज सकते हैं? सिंपल, प्लॉट आप एनए प्लॉट करके भेज सकते हो, पुणे में ऐसे कई सारे साइट्स है, फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसी ही साइट आया जिस कोलते पातिल वगैरह डेवलपर्स है, उन्होंने पुरंदर करके एक साइट लॉन्च किया है जिनका पूरा एरिया खाली है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, और वो प्लॉट बेच रहे हैं और उसके ऊपर वो अलाउ कर रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्शन करो। तो लोग अगर प्लॉट भी बेच रहे हैं कि उसके ऊपर आप बाद में कंस्ट्रक्शन कर लो, वो भी इसके अंदर कवर्ड है, समझ में आ रहा है? दूसरा अपार्टमेंट तो है ही, तीसरा बिल्डिंग, अगर आपको रो हाउस बेच रहे हैं, अगर आपको पूरा बिल्डिंग बेच रहे हैं जिसमें कमर्शियल एंटरप्राइज बना रहे हैं पर बनाने के बाद बेच रहे, इट इज नॉट आउटसोर्सिंग, इट इज अ प्रॉपर सेल, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये जिसको भी दे रहे हो, जिसको भी अलॉट कर रहे हो, देखो टू हुम इट हैज बीन अलॉटेड, वर्डिंग यूज किया है टू हुम इट हैज बीन क्या है, अलॉटेड। और ये अलॉट किया गया है, जिसको ये अलॉट किया है किस तरीके से अलॉट किया है, ये अलॉटमेंट के बेटा तीन तरीके हो सकते हैं, बहुत अच्छे से बोर्ड पर ध्यान देना। एक तो ये सेल किया है, या तो फिर ये लीज किया है, या तो फिर ये रेंट किया है। अब मुझे बताओ कौन सा वाला रेरा में आएगा, अलॉटेज में? सेल आएगा और लीज आएगा, रेंटल आएगा क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आगे बोला है अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय प्रमोटर इंक्लूडिंग अ पर्सन सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स द सेट अलॉटमेंट। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, मतलब ये सेल या लीज किया है, फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन का अगर हम नाम लेते हैं एक्स, एक्स पता है ना, एक्स के तो आपके होंगे आप, हाँ है ना? सो एनी पर्सन जो कौन है बोले एक बार, जो से एक्स, इसने जाके ये सेल या लीज्ड प्लॉट आगे जाके वाई को दे दिया, इधर उसने वाई को क्या कर दिया, सेल, या उसने वाई को क्या कर दिया, लीज, ठीक है? इसको अगर और अप्रोप्रिएटली मैं लिखूं तो एक्स ने सेम प्लॉट या सेम अपार्टमेंट या सेम बिल्डिंग, एक तो वाई को सेल किया या वाई को लीज किया। तो एक बात याद रखना, यहां एक्स भी अलॉटी है और उसके बाद में वाई ने खरीदा, इसलिए वाई भी अलॉटी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले बोले सर, नो, ये चीज को आपने याद रखना, बिकॉज स्पेसिफिकली बोला है सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स द सेड अलॉटमेंट, सब्सिक्वेंटली एक्वायर सेड अलॉटमेंट, बड़ा काम का चीज है, बाद में किसी ने अगर इसको एक्वायर किया, बट डज नॉट इंक्लूड टू हुम सच अ प्लॉट वगैरह गेन गिवन ऑन, क्या बोले एक बार, उसे रेंट। अब इसमें भी मेरा एक सवाल है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, एक्स ने प्लॉट वाई को सेल किया या लीज किया तो वाई अलॉटी हो गया, वॉट इफ अगर एक्स ने ये प्लॉट वाई को रेंट किया, वाई को रेंट किया, तो क्या वाई अलॉटी हो पाएगा? जोर से बोलो, वाई अलॉटी हो पाएगा? नहीं, यहां अलॉटी सिर्फ कौन रहेगा, एक्स। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं? डायग्राम ड्रॉ कर लो, गो फॉर इट फास्ट। जहां डेफिनेशन उसी के साइड में लिखना, ब्लैंक पेज पे। हो गया, कई हो गया क्या?
हुईगो को ही बोलते ना, कौन कौन मारवाड़ी है, हुईगो को ही बोलते ना, तो तुम ही भूल गए क्या? प्रोनाउंसिएशन। चलो डन, एवरीबॉडी डन। ओके, सो ये चीज समझ में आई। अब इंस्टीट्यूट ने एक असफल प्रयास किया है इसको डायग्राम में रखने का, जिसका कोई सेंस आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। अलॉटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मींस, पहले उन्होंने पहले दो सेंटेंस पहले ब्लॉक में डाले, बात का एक सेंटेंस दूसरे ब्लॉक में, फिर बचा हुआ सेंटेंस तीसरे ब्लॉक में, ये इस तरीके से। एनीवेज मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे से मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसको समझाऊं आगे। तो अपना जो डायग्राम है दैट इज क्वाइट बेटर, तो आप उसी को अगर याद रखो तो इट विल हेल्प यू एटलीस्ट आगे। एग्जाम्पल, डज द टर्म अलॉटी इंक्लूड सेकेंडरी सेल? एज पर 2D, एन अलॉटी इंक्लूड्स अ पर्सन हु एक्वायर्स अ सेड अपार्टमेंट प्लॉट थ्रू अ ट्रांसफर ऑफ सेल, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन टू होम प्लॉट और अपार्टमेंट इज गिवन ऑन रेंट। इसका मतलब सेकेंडरी सेल भी अलॉटी में आएगा क्या? यस, स्टार मार्क करके रखना, इसके ऊपर जरूर केस आने के चांसेस है। हाँ, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत सिक्स सेंस मेरा चलता है कभी 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 कभी। हाँ, एकदम डिपेंड मत हो जाना इसके ऊपर, ठीक है? आगे अगला है अपार्टमेंट। हे भगवान, अब ये डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते तुमको वापस सिविल कॉन्ट्रैक्टर वाली फीलिंग आने वाली है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। रेडी, लेट्स गो। अपार्टमेंट वेदर कॉल्ड ब्लॉक, चेंबर, ड्वेलिंग, यूनिट, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रीमाइस, सूट, टेनमेंट, यूनिट बाय यूनिट और बाय अदर नेम मीन्स अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सब ले लिया इन्होंने, अपार्टमेंट में शोरूम भी आता है, आज मुझे पता चला। यू कैन सी ब्लॉक, चेंबर, ड्वेलिंग यूनिट। व्हाट इज ड्वेलिंग यूनिट? जहां जहां ड्वेलिंग कर सकते हो आप, फ्लैट, ऑफिस, शोरूम, मतलब कितना भी बड़ा कार शोरूम हो स्टिल इट इज अपार्टमेंट। समझ में आया? गोडाउन, स्टोरेज एरिया, स्टिल इट इज अपार्टमेंट। सूट, स्टिल इट इज अपार्टमेंट। सूट पता है? रेसिडेंशियल सूट, प्रेसिडेंशियल सूट, अलग अलग आते हैं ना आजकल, नए नए स्कीम्स निकले, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, रेसिडेंशियल सूट्स, वो वाले। यूनिट और एनी अदर नेम। सेल्फ कंटेन्ड पार्ट, ये सेंटेंस बड़ा काम का है, सभी इसमें ये सेंटेंस सबसे बड़ा काम का है। मीन्स अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेंट पार्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। इंक्लूडिंग वन और मोर रूम इनक्लोज्ड और इनक्लोज्ड स्पेस लोकेटेड ऑन वन और मोर फ्लोर्स। बोले एक या एक से ज्यादा रूम भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा फ्लोर्स पे भी हो सकता है। सॉर, एक से एक ज्यादा फ्लोर पे अपार्टमेंट कैसा रहेगा? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में होता है ना, हॉल की हाइट डबल होती है, फिर नीचे भी रूम होते हैं हॉल के साइड में, ऊपर भी रूम होते हैं। डुप्लेक्स तो पता होगा आपको। नीचे एनी पार्ट देयर ऑफ इन अ बिल्डिंग और अ प्लॉट और अ लैंड यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर अ रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज सच एज रेसिडेंस, ऑफिस, शॉप, शोरूम, गोडाउन फॉर कैरिंग ऑन योर बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड, फॉर एनी अदर टाइप ऑफ एंसिलरी टू अ पर्पज स्पेसिफाइड। मतलब इसमें से कोई भी चीज करने के लिए अगर एंसिलरी पर्पज भी है तो भी हम उसको अपार्टमेंट मानते हैं। एक्चुअली मैं आपको बोलूं सिंपल वर्ड्स में, तो इन्होंने प्लॉट और रो हाउस छोड़ के सब कुछ ले लिया है। अगर इसको, बिकॉज इतना सारा तो याद नहीं रख सकते, तो निगेटिव लिस्ट, प्लॉट और रो हाउस छोड़ के सब ले लिया इन्होंने। क्लियर है? मतलब इन्होंने यह भी ले लिया है कि अगर आपका तीन चार स्टोरीड का कोई कमर्शियल जोन होगा वो भी अपार्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मली सेंट्रल वगैरह गए हो, सेंट्रल चेन है, सेंट्रल चेन की एक खासियत है कि उनका जो सेंटर का एरिया होता है ना वो पूरा का पूरा ओपन होता है टिल टेरेस। समझ में? भले वो चार प्लस फ्लोर भी क्यों ना हो, टिल टेरेस पूरा सेंटर का एरिया ओपन होता है, उसमें वो लाल लाल कलर की गोली लगा के रखते हैं, देखा होगा आपने सेंट्रल में। बोलो यस और नो? दैट इज ऑल्सो अपार्टमेंट इंक्लूडिंग ऑल दोस फ्लोर्स। मतलब अगर पांच फ्लोर का सेंट्रल है, बीच का एरिया पूरा ओपन है, एक ही ये, दैट एंटायर विसिनिटी विल बी कॉल्ड एज अपार्टमेंट। क्लियर है? अब सेंट्रल, चलो ये बिल्डिंग के लिए एक स्टोरेज एरिया बना के रखा है साइड में,
जिसके जो गोडाउन है सेंट्रल का पूरा माल वहां पे आके स्टोर होता है, वो भी अपार्टमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो एक्चुअली इसको निगेटिवली याद करो, जो प्लॉट नहीं है और जो रो हाउस नहीं है वो क्या है? अपार्टमेंट है। रो हाउस क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने देखो रो हाउस का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया है और उन्होंने बोला है ठीक है। रो हाउस नहीं पता आपको? रो हाउसेस मतलब एक ही बिल्डर क्या करता है, पूरा एक एकर का एरिया लेता है और एक ही टाइप के सभी हाउसेस बनाता है और सबको बेचता है। मतलब एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन सबके सेम रहेंगे, इंटरनल कंस्ट्रक्शन यू कैन चेंज, दोज आर कॉल्ड एज रो हाउसेस। क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना। और उन्होंने देखो क्यों मैं रो हाउस बोल रहा हूं, क्योंकि देखो उन्होंने बोला है मींस अ सेपरेट एंड सेल्फ कंटेंड पार्ट ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला है। रो हाउस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इटसेल्फ इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसेप्ट समझ में? तो वहां पे आप लिख सकते हो अदर देन प्लॉट एंड रो हाउस, अदर देन प्लॉट एंड रो हाउस। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन अपार्टमेंट का। अब मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिया, बट मेरे को चांसेस इसके कम लगते हैं कि एग्जाम में पूछेंगे, बिकॉज उसमें एनालिटिकल कुछ पुट करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। क्योंकि प्लॉट और रो हाउस छोड़ के अगर सभी अपार्टमेंट है तो आपको प्लॉट और रो हाउस छोड़ के कुछ भी पूछा तो भी उसको अपार्टमेंट में ठोक डालने का बिना कुछ सोचे समझे। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना। नीचे अच्छा हाँ एक चीज है, अगर उन्होंने प्लॉट और रो हाउस छोड़ के गोडाउन का जिक्र किया और गोडाउन जमीन पे है तो भी वो अपार्टमेंट है, इस चीज को याद रखना। नीचे अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल मींस रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 14, ना ही पढ़े तो अच्छा था। आगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू यूनियन टेरिटोरी। मैंने बोला था ना अथॉरिटी स्ट्रक्चर में सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आता है, याद है? बोलो अरे हाँ है ना। यूनियन टेरिटोरी विदाउट अ लेजिस्लेचर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज अ सीजी। यूनियन टेरिटोरी ऑफ अ पॉन्डिचेरी द यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। इन द केस ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट। यहां एक चीज की कमी है डेफिनेशन में, अब एक कमी हो चुकी है। पूछो क्या? सब कवर हो गए, जे एंड के बच गया। व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटोरी ऑफ जे एंड के एंड व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटोरी ऑफ लेह एंड लद्दाख? What about Union Territory of Leh and Ladakh and Jammu and Kashmir? कौन रहेगा appropriate government? J&K में legislative assembly है क्या? बोलो हाँ है ना? अरे है या नहीं है? तो J&K में separate legislative assembly है, तो J&K territorial government। Leh Ladakh में territorial government है क्या? तो Leh Ladakh में नहीं है, तो इसके लिए कौन? CG। समझ में आया? ये अमेंडमेंट उन्होंने नहीं बोला तो भी अपन कर लेंगे अपना अपना, लिख लो इसको। फॉर जम्मू एंड कश्मीर J&K गवर्नमेंट, J&K यूटी गवर्नमेंट लिखना, J&K यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट, फॉर लेह एंड लद्दाख सेंट्रल गवर्नमेंट। नीचे के तीन डेफिनेशंस। ओके तो सिंपल सी बात है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब बहुत सिंपल है बेटा, याद रखना। अगर यूनियन टेरिटोरी में लेजिस्लेचर नहीं है तो कौन बोले एक बार? सीजी। सब जन बोलो यूनियन टेरिटोरी में लेजिस्लेचर नहीं है, कौन? सीजी। यूनियन टेरिटोरी में लेजिस्लेचर है तो लेजिस्लेचर, वो गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट। और पांडिचेरी वगैरह लेह लद्दाख में, सॉरी पांडिचेरी J&K में वही गवर्नमेंट जो उन्होंने अपॉइंट किया। दिल्ली में सिर्फ अलग है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना। ये अलग से याद रखना, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ किसका बोले एक बार? अर्बन डेवलपमेंट। आइडिया क्लियर है? नीचे नीचे के तीन डेफिनेशन पढ़ना, मेरी इतनी नहीं है कि मैं उसको पढ़ा सकूं आपको, सो प्लीज रीड कीजिए। आर्किटेक्ट अथॉरिटी और बिल्डिंग, डन एवरीबडी। कार्पेट एरिया के लिए एक मैं छोटा सा डायग्राम देना चाहूंगा यहां पे, क्योंकि कार्पेट एरिया काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वी नीड
टू अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर. सो उन्होंने बोला है मीन्स नेट यूजेबल एरिया ऑफ. अब डेफिनेशन तो हमने कई बार पढ़ा है, मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप सिर्फ उसको टैली करना, ठीक है, कि वो टैली हो रहा है क्या. क्या हो गया इसको? लिख लिया सबने? तो इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि कारपेट एरिया में क्या लेना है और क्या नहीं. समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी लिखना हो गया पक्का? आगे बढ़ू मैं? यस और नो? चलो नेक्स्ट. ये होने के बाद शॉल आई मूव नेक्स्ट? ओके, अगले वाले डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट. डेफिनेशन थोड़ा सा काम का है, आ जाओ. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मीन्स द कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द बिल्डिंग परमिट कंस्ट्रक्शन परमिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड issued by competent authority to allow or permit the promoter to begin development work on an immovable property as per the sanctioned plan. ठीक है, इसका मतलब है सर्टिफिकेट बिल्डिंग परमिट कंस्ट्रक्शन परमिट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड जो अथॉरिटी ने दिया है, कंपिटेंट अथॉरिटी ने जो दिया है टू प्रमोटर टू बिगिन द डेवलपमेंट वर्क, जिससे आप डेवलपमेंट वर्क शुरू कर सकते हो. सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा सर्टिफिकेट किसी भी नाम से क्यों ना बोला जाए जो अथॉरिटी ने दिया है जिससे आप डेवलपमेंट वर्क शुरू कर सकते हो. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यू कैन से नहीं, बट सर कैसा है? हाँ, कंपनीज के केस में, बट यहां पे आप इसको इनकॉर्पोरेशन नहीं बोल सकते बिकॉज आप जो प्रोजेक्ट के अंदर जिस फर्म के अंदर प्रोजेक्ट ले रहे हो उसका भी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा. दिस इज रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन. नॉर्मली क्या होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए हर बिल्डर एक सेपरेट फर्म बनाता है. जब बिल्डर सेपरेट फर्म बनाता है तो फर्म का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अलग होगा. दैट इज नॉट अ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट. कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन वाला. क्लियर है? नीचे कॉमन एरियाज, बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन है, सिर्फ पढ़ते रहो, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, नया कुछ नहीं है इसके अंदर. द एंटायर लैंड फॉर अ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट वेयर अ प्रोजेक्ट डेवलप इन अ फेज एंड रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट इज सॉट टू बी फॉर अ फेज द एंटायर लैंड ऑफ दैट फेज. जो उस प्रोजेक्ट के अंदर लैंड है वो पूरी की पूरी कॉमन एरियाज में आएगी. द स्टेयर केस लिफ्ट स्टेयर केस एंड लिफ्ट लॉबीज फायर एस्केप
कॉमन एंट्रेंस एग्जिट्स ऑफ द बिल्डिंग, ये भी कॉमन एरियाज है, कॉमन बेसमेंट टेरेस पार्क प्ले एरिया ओपन पार्किंग एरिया कॉमन स्टोरेज प्लेस premises for lodging of a person employed for a management of the property including accommodation for a week for watch and ward staffs or for the lodging of the community service personals. मतलब किसके बारे में बात कर रहे है? कोई वॉचमैन है, सर्वेंट्स है, उनके रहने के लिए जो जगह दी है वो भी कॉमन है. लिखो वहां पे वॉचमैन और सर्वेंट्स, वॉचमैन और सर्वेंट्स लिविंग एरिया. नीचे इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर सैनिटेशन एयर कंडीशन इंसिनरेटिंग सिस्टम फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जीज. क्लियर है? ये भी आती है. कई बार डक्ट वक्ट आप इंस्टॉल करते हो, पूरे अपार्टमेंट स्कीम में डक्ट बनाए जाते हैं, कमर्शियल इंटरप्राइज में डक्ट बनाए जाते हैं, वो भी आएंगे. द वॉटर टैंक सम्स मोटार्स फैंस कॉम्प्रेसर डक्ट एंड ऑल अपर्चर्स कनेक्टेड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द कॉमन यूज. जैसे आपने जनरेटर बैकअप देखा होगा कई सारे सोसाइटीज में. आजकल तो एमएसईबी सोसाइटी के अंदर पूरा खुद का एक डीपी डाल देता है कि भाई ये पूरे सोसाइटी का पूरा पावर मेंटेनेंस एक जगह से होगा. आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे होंगे, अगर मेट्रो सिटी में होंगे तो साइड में ऐसे ग्रीन कलर के डब्बे में वो सब एक रूम में ही डाल देते हैं एवरीथिंग. पूरे सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वहां से, वो भी कॉमन एरिया में आएगा. आगे ऑल कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. कौन से कम्युनिटी फैसिलिटीज में क्या क्या आता है जरा बता सकते हो मेरे को? क्लब हाउस, अरे बोलो, जिम्नेशियम, टेम्पल, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया. लिखो इन सब चीजों को. स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हर चीज. ऑल अदर पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट नेसेसरी एंड कन्वीनियंट फॉर मेंटेनेंस सेफ्टी एक्सेट्रा इन कॉमन यूज. ऐसी हर चीज जो कॉमन यूज में आएगी, जैसे लॉबीज वगैरह, एवरीथिंग. लिख लिया. अब तुम्हारे कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए उन्होंने कॉमन एरियाज के ऊपर सवाल पूछा है. वेदर ओपन पार्किंग एरियाज इज अ पार्ट ऑफ कॉमन एरिया, तो नीचे आंसर देखना. डिफाइन्स कॉमन एरिया इंक्लूड्स ओपन पार्किंग एरिया. दस ओपन पार्किंग एरियाज कैन नॉट बी सेड टू द अलॉटीज, कैन नॉट बी सोल्ड टू अलॉटी. मुझे तो ओपन पार्किंग एरिया कॉमन एरिया में आ जाता है, तो क्लोज्ड पार्किंग एरिया कॉमन एरिया में नहीं आएगा क्या? हाँ, जो क्लोज पार्किंग एरिया है, जो विजिटर्स पार्किंग नहीं है, जिसके ऊपर शेड है और जो किसी के नाम से सेल किया है, उसे क्या कहेंगे? क्लोज पार्किंग एरिया. इट इज सोल्ड टू अलॉटीज. इसके ऊपर मेरा एक बहुत जोर से सवाल है, पूछो क्या. ओपन पार्किंग एरिया है, ओपन एरिया मतलब कोई क्लोजर नहीं है उसको, टोटली ओपन है. और सोल्ड आउट है किसी फ्लैट ओनर को, तो अब यहां पे आपने देखना ओपन पार्किंग एरिया. द ओपन पार्किंग एरिया कैनॉट बी सोल्ड टू द अलॉटरीज बोला है. पहली बात तो ओपन पार्किंग एरिया अलॉटरीज को सोल्ड ही नहीं होना चाहिए. हाँ नहीं, अब अंडरस्टैंड. अब यहां सिचुएशन आता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वाला, बिकॉज आपने कई सारे ऐसे पार्किंग एरिया खुद ने देखे होंगे जो ओपन है और सोल्ड है. इसके लिए अपने को थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज अ क्लोज पार्किंग एरिया. तो लेट्स गो फॉर डेफिनेशन ऑफ पार्किंग एरिया. कहीं लिखा है क्या? देखो जरा नीचे, आई गेस एक जगह है दिया उन्होंने, गराज दिया है. गराज दिया होगा ना, उसको अपन रेफर कर सकते हैं फॉर क्लोज पार्किंग एरिया वाले डेफिनेशन के लिए. सो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया तो भी मिल जाएगा. ई सी डी ई एफ जी, हाँ गराज, वी कैन कंसीडर दिस एज अ क्लोज पार्किंग एरिया. थोड़ा सा रेफरेंस मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली. मीन्स अ प्लेस विद अ प्रोजेक्ट हैविंग अ रूफ एंड अ वॉल ऑन द थ्री साइड्स ऑफ अ पार्किंग ऑफ एनी व्हीकल but does not include a unenclosed or uncovered parking space such as open parking areas.
समझ में आया? मतलब क्लोज पार्किंग एरियाज को ये क्या कहते हैं? गराज। इसलिए मैंने इस डेफिनेशन के ऊपर आया लाया कि क्लोज पार्किंग एरिया इनके मतलब में क्या है? गराज। भले ही उसको इनक्लोज्ड स्पेस आजू बाजू से नहीं रहेगा, बट रूफ तो है, तो वहां लिख के रखो गराज इंक्लूड्स द क्लोज पार्किंग एरियाज। गराज इंक्लूड्स द क्लोज पार्किंग एरियाज। ठीक है, मतलब ओपन पार्किंग एरिया गैराज में आते हैं क्या? अब मेरा एक सवाल है, क्या ओपन पार्किंग एरिया को, मतलब किसी भी एरिया को, किसी पार्किंग एरिया को कॉमन एरिया में गिनने के लिए क्या सिर्फ एक कंडीशन लगता है कि वो ओपन होना चाहिए, या दोनों कंडीशन नेसेसरी है कि क्या वो ओपन भी होना चाहिए और सोल्ड आउट भी नहीं होना चाहिए? अगर आप ये बोलोगे कि सिर्फ एक कंडीशन लगता है कि वो सिर्फ ओपन होना चाहिए, तो फिर वो कॉमन एरिया में आ जाएगा, लेकिन क्या दोनों कंडीशन नेसेसरी है कि वो ओपन भी होना चाहिए और सोल्ड आउट भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो भी वो कॉमन एरिया में आएगा? वेदर बोथ आर रिक्वायर्ड और ओनली वन इज रिक्वायर्ड? बोथ रिक्वायर्ड, ओनली वन इज रिक्वायर्ड। अब इसके लिए ऊपर कहीं देखो, ऐसा कहीं कुछ लिखा है क्या विच इज नॉट सोल्ड टू समवन? और दूसरे सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि क्या ओपन पार्किंग एरिया आप किसी को सेल कर सकते हो क्या? ये भी एक सवाल है। बाउंड्री वॉल के साइड वाले सभी के सभी सेल आउट कर देते, कई बार तो शेड भी नहीं करते। अब अंडरस्टैंड, अगर आपने ऐसे कोई पार्क, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूं, ओपन पार्किंग एरियाज पहली बात तो आप सेल आउट कर ही नहीं सकते, ठीक है? ये रियल एस्टेट का नॉर्मल रूल है, रेरा में भी शायद अपने को आगे आएगा कि आप ओपन पार्किंग एरिया सेल आउट नहीं कर सकते, उसे विजिटिंग पार्किंग एरियाज कहा जाता है, विजिटर्स पार्किंग एरिया। अगर आपने ऐसा कोई सिचुएशन देखा होगा जिसमें ओपन पार्किंग एरिया और वो सोल्ड आउट है, इसका मतलब है कि बिल्डर ने उनको शेड नहीं दिया, ठीक है? अब अगर कोई ऐसा एरिया आपने देखा है तो सिंपली उसका इंटरप्रिटेशन है कि बिल्डर ने उनको शेड नहीं दिया। दूसरी बात, ओपन पार्किंग एरिया कोई खरीदेगा क्यों? दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, ठीक है? अगर पार्किंग एरिया ओपन है तो वैसे भी आप कार बाहर पार्क कर सकते हो कॉमन एरियाज के अंदर, विजिटर्स पार्किंग में वो भी ओपन है और ये भी ओपन ही है, तो फिर आप उसको खरीदोगे ही क्यों? अगर आप नहीं, अंडरस्टैंड, शॉर्टेज ऑफ पार्किंग भी रहा तो भी सोसाइटी में विजिटर्स पार्किंग तो होगा। नहीं, अंडरस्टैंड वन थिंग, एज पर द रेरा रूल्स आपके सोसाइटी में विजिटर्स पार्किंग का भी पूरा का पूरा फैसिलिटी होना चाहिए, और आपके सोसाइटी में उतना एरिया खाली होना चाहिए कि कोई फंक्शन वगैरह रहा तो विजिटर्स पार्किंग वहां पे हो, अदरवाइज रोड ब्लॉकेजेस होंगे अगर लोग बाहर गाड़ियां पार्क करेंगे तो। तो हर अच्छी सोसाइटी के अंदर जो रेरा में रजिस्टर्ड है उसमें पार्किंग एरिया होता है। हाँ, सिंगल बिल्डिंग वगैरह है कोई जिसमें 8-10 ही अपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको ये नहीं दिखेगा, बट नॉर्मल रेरा के अंदर पार्किंग एरिया, एमिनिटी एरिया, इनको डिस्क्लोज किया जाता है कि विजिटर्स पार्किंग हुआ तो विजिटर्स पार्किंग के लिए कोई जगह है क्या। दूसरी बात, अगर आपके सोसाइटी में विजिटर्स पार्किंग है और आपका विजिटर पार्किंग भी ओपन है और जो आपको पेरिया वो बेच रहे हैं पार्किंग का वो भी ओपन है, तो आप खुद सोचो कि आप वो खरीदोगे ही क्यों? अगर मेरा विजिटर पार्किंग ओपन है तो आई विल पुट माय व्हीकल इन द विजिटर्स पार्किंग, फिर मेरा विजिटर पार्किंग एरिया और सेल आउट किया हुआ पार्किंग एरिया में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया? तो नॉर्मली यू कैनॉट सेल ओपन पार्किंग एरिया, आइदर इट विल बी शेडेड, और अभी अगर कहीं आप ऐसा देख रहे हो तो देयर इज अ क्वाइट अ चांसेस कि बिल्डर ने प्रॉमिस करके उनको शेडिंग नहीं किया होगा। इसका छोड़ो, मैं खुद देख रहा हूं विजय सर का फ्लैट, वी स्मार्ट एकेडमी वाले डीटी लेते हैं विजय सर, उनका ओपन पार्किंग एरिया में है पार्किंग। मेरे को उसके ऊपर से ये सवाल आया था जब मैं रेरा पढ़ रहा था कि भाई उनका भी गाड़ी ओपन पार्किंग एरिया में पार्क होता है, क्लियर है कंसेप्ट? बट एट दैट टाइम आई टॉक टू देम एंड दे सेड कि भाई शेडिंग प्लान किया था बट सोसाइटी बनने के बाद में बिल्डर ने प्रोवाइड नहीं किया, अब वो शेड के लिए उनके ऊपर कोई पीछे नहीं भाग रहा, तो अब कार वैसी की वैसी खड़ी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ना जोर से बोलो। तो नॉर्मली दीज आर द चांसेस, ये चीज को याद रखना। एग्जाम्पल नंबर टू इज अ कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड इन द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आर अ पार्ट ऑफ द कॉमन एरियाज। बोलो क्या ये कॉमन एरियाज है? बिल्कुल। तो उसके अंदर कम्युनिटीज, फैसिलिटीज एंड कमर्शियल फैसिलिटीज, दस दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टू बी हैंडेड ओवर टू एसोसिएशन ऑफ कैबलिक बोर्ड से अलॉटीज। समझ में आ रहा है? नीचे कंपनी, अब ये ऑलरेडी आपको डेफिनेशन कंपनी का ऑलरेडी मालूम है बट फिर भी एक बार उसको रीड कर लो। कंपनी एंड कंपिटेंट अथॉरिटी दोनों को रीड कर लो, फिर हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ऊपर जाएंगे।
चलो डन, दोनों रेड कर लिए सबने। ओके नाउ इसके अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी नॉर्मल उन्होंने वही दिया है कि कोई भी कॉरपोरेशन जो सीजीएसजी ने एस्टेब्लिश किया, जैसे एलआईसी, जीआईसी या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी के अंडर अगर आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो वो उनसे कोई अपना इतना टेंशन नहीं है। कंपिटेंट अथॉरिटी का भी डेफिनेशन नॉर्मल ही दिया है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट का डेफिनेशन थोड़ा सा काम का है, मैं चाहूंगा इसको सब जन साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है कंप्लीशन सर्टिफिकेट? मीन्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सच अदर सर्टिफिकेट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द सैंक्शनड प्लान। ये सेंटेंस बड़ा काम का है। द प्रोजेक्ट हैज बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू सैंक्शन प्लान लेआउट स्पेसिफिकेशन एज अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर लोकल लॉज। आपने लॉज रेगुलेशंस और डिजाइन के हिसाब से ये कंप्लीट किया है। आपको पता है लोग जब उनको फ्लैट बेच दिया जाता है तो बालकनी में कच्चे शेड डालते हैं। देखा है आपने टीन वगैरह के शेड डालते हैं, कैनोपी लगाते हैं, बोलो हाँ है ना। आपको पता है ये लगाने के बाद अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है और आपने इसको लगाया तो फिर म्यूनसिपल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता। इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। इसलिए कोई भी बिल्डर से आप फ्लैट परचेस करोगे भले ही वो पोजेशन दे दे, वो आपको तब तक के बालकनी में कुछ भी नहीं लगाने के लिए अलाउ करेगा जब तक के कंप्लीशन सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आता। और जो भी बाहर के लोग वो बालकनी वगैरह अंदर ले लेते हैं, कच्चा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जो भी आपने देखे होंगे ना, वो सब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 1 2 साल बाद लोग करना शुरू करते हैं। कंसेप्ट समझ पाए? अदरवाइज आपके प्रोजेक्ट के ऊपर म्यूनसिपल का अप्रूवल ही नहीं आएगा और पेनल्टी भी चार्ज करते हैं वो आजकल। इसलिए कई बिल्डिंग में आपने ये भी देखा होगा कि पहले कच्चा शेड लगाया था बाद में निकाल दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नीचे डे, प्लीज अब मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमको डे बताऊं, ठीक है। आगे डेवलपमेंट विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन मीन्स कैरिंग आउट अ डेवलपमेंट ऑफ अ इमोबल प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग और अदर ऑपरेशन इन ऑन ओवर अंडर और लैंड। देखो वर्डिंग इन ऑन ओवर और अंडर लैंड मतलब जमीन में कर रहे हो, जमीन पे कर रहे हो, जमीन के ऊपर कर रहे हो या जमीन के नीचे कर रहे हो। हर चीज को डेवलपमेंट बोला जाएगा। जमीन के नीचे पार्किंग स्पेसेस बना रहे हो, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अंडरग्राउंड पार्किंग होता है ना, लिख कर रखो वहां पे अंडरग्राउंड पार्किंग। तुम्हारे आंखों के सामने ऐसे नजारे आ रहे होंगे ना अलग अलग, जो बिल्डिंग वगैरह तुमने देखी है सब इसकी उसकी, हाँ है ना। अंडरग्राउंड पार्किंग तुमको प्रेस्टीज पॉइंट का याद आया होगा पहले। सुनो आगे डेवलपमेंट वर्क मीन्स एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क और इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इंजीनियर। बचाओ मेरे को। आगे इंजीनियर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रीड कर लो एक बार। एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी रीड करना, फैमिली भी रीड करना, गैरेज तो हो चुका है वहां तक आ जाना। फैमिली अपन वापस डिस्कस भी करेंगे। ओके फैमिली की डेफिनेशन बताओ। सबसे पहले आदमी, ठीक है, सो हस्बैंड उसकी अर्धांगिनी। हर्ष कहां से? अर्धांगिनी लग रही है ना वाइफ? हाँ है ना। अरे हाँ बोलो, हाँ है, मेरा ड्राइंग काफी अच्छा है, ठीक है। फिर इनके बच्चे, एक तो सन एक तो डॉटर, ठीक है। सन में भी दो, पहला कौन सा मेजर और दूसरा कौन सा माइनर। डॉटर में भी दो, कौन सी मैरिड या अनमैरिड। अगर मेजर सन है वेदर ही इज अंडर द फैमिली, नो। माइनर सन है तो क्या फैमिली में है? हाँ। डॉटर मैरिड है तो नहीं होगी ना, वो किसी की वाइफ रहेगी ना, तो उसकी फैमिली में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? अबे डॉटर मैरिड रहेगी तो उसकी फैमिली में जाएगी ना हस्बैंड के, और अनमैरिड डॉटर है तो
अनमैरिड, अनमैरिड सन, हाँ पॉसिबल है, पर अरे तो कामकाज करेगा ऐसा उनको लगता है, ठीक है, अनमैरिड सन रहा तो। सो अनमैरिड डॉटर, देखना ध्यान देना, अनमैरिड डॉटर है उसके अंदर भी दो, अगर वो डिपेंडेंट है या अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर डिपेंडेंट है तो फैमिली में आएंगे, इंडिपेंडेंट है तो फैमिली के अंदर नहीं आएगा। कंसेप्ट समझ में आया? रहा तुम्हारा अनमैरिड सन वगैरह जो भी प्रॉब्लम है वो सब माइनर और मेजर में ही डिफाइन होते हैं, आगे लिख लो ये ना, जाति हमारी ऊपर ही होती है भाई। चलो डन एवरीबॉडी। कौन से पेज पे है अपन? 9 पे है, गुड। क्यों फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को एस्टिमेट नहीं है समय कितना लगेगा, तो थोड़ा पेज नंबर से इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो ये हो गया सबका फैमिली, नेक्स्ट वन। फैमिली होने के बाद में गराज, गराज हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है, उसके बाद में मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मोल प्रॉपर्टी आपने कई बार पढ़ा होगा, इंक्लूड्स लैंड बिल्डिंग राइट ऑफ वेज, मतलब राइट्स ऑफ वेज मतलब आने जाने के रास्ते, ठीक है, राइट्स ऑफ वेज। कई सारे सोसाइटीज के अंदर पोडियम होता है, ये सुनो, पोडियम के ऊपर से व्हीकल्स लेके जाते हैं, दैट इज ऑल्सो, तो वहां लिख सकते हो पोडियम, जहां पे व्हीकल पार्क वगैरह होते हैं। पोडियम पता है ना? पोडियम नहीं पता? नॉर्मली रहता है ना, मल्टी लेवल पार्किंग होता है, 1 2 3, और वो मल्टी दूसरे लेवल की पार्किंग पे जाने के लिए बीच में से एक उल्टा सा सर्कुलर रास्ता होता है, पोडियम रास्ते, ठीक है, उन्हें भी कवर किया है मोबाइल भाई। उसके बाद में लाइट्स और एनी अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग Which is attached to earth but not standing timber, standing crops or grass. इलेक्ट्रिक का पोल है सोसाइटी में, इनवे था, इलेक्ट्रिक का खंबा रस्ते के साइड में गाड़ा था, उसको लाइट अटैच था, वेदर इट इज इमोबल प्रॉपर्टी, यस, इलेक्ट्रिक का पोल और उसको लगा हुआ लाइट भी, बिकॉज उन्होंने वही बोला है, एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, मतलब जो अर्थ में है वो खंबा भी इमूवेबल है और उसको जो लाइट लगाया है वो भी इमूवेबल है। कंसेप्ट समझ में आया? बोलो। लिफ्ट नहीं, अंडरस्टैंड वन थिंग, लिफ्ट विल बी अ पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा जब तक लिफ्ट उसके अंदर अटैच्ड है, वंस यू टेक इट आउट ऑफ द सेम इट विल नॉट बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है कंसेप्ट? नीचे ऐसे आप बहुत सारी चीज बोल सकते हो, बहुत मतलब सिर्फ ये नहीं, कई बार सिचुएशंस में ग्रिल्स होती है, विंडो ग्रिल्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, उसको आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो, दैट इज ऑल्सो इमोबल प्रॉपर्टी, अटैच है तो इमोबल है, नहीं है तो नहीं है। नीचे
Interest means the rate of interest payable by a promoter to allottee as the case may be for the purpose of this clause. Ye kaam ka is the definition isko star mark karna. Rate of interest chargeable from the allottee by promoter in case of default shall be equal to a rate of interest which the promoter shall be liable to pay to allottee in case of default. Star mark karna iske upar zarur sawal aayega. The interest payable by promoter to allottee shall be from the date of the promotion. Promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof the interest thereon is refunded, and the interest payable by the allottee to the promoter shall be from the date of the date the allottee default in the payment to the promoter till the date it is paid. Concept samajh mein aaya pakka? Niche matlab aapne delay kar diya possession mein aur uske baad mein aap payment karne wale ho ya possession baad mein dene wale ho wo bhi interest calculate kiya jayega. Internal development works. अब इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स मतलब जब हम बोलते हैं इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स तो लोगों को लगता है कि फ्लैट के अंदर के डेवलपमेंट वर्क. प्लीज डू अंडरस्टैंड ये फ्लैट के अंदर के नहीं है, सोसाइटी के अंदर के डेवलपमेंट वर्क है. तो उसके अंदर मेन्स रोड्स, फुटपाथ, वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेन्स, पार्क्स, ट्रीज प्लांटिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग, प्रोविजन फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग एंड ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, सुलेज, water, solid waste management disposal, water conservation, energy management, fire protection, fire safety requirement, social infrastructure such as education, health and other public amenities or any other work in a project for its benefit as per the sanctioned plan. Matlab aapke society mein रोड के डेवलपमेंट लाइटनिंग से लेकर अगर आपके सोसाइटी में स्कूल, हॉस्पिटल और शॉपिंग मॉल होंगे उनके डेवलपमेंट वर्क का हर वर्क इंटरनल वर्क माना जाएगा. जैसे आपने देखा होगा एमेनोरा टाउनशिप, एमेनोरा टाउनशिप के अंदर आता है पूरा एमेनोरा कॉम्प्लेक्स जो एमेनोरा मल्टीप्लेक्स है. पूना में ऐसा है, कई सारे टाउनशिप ऐसे होते हैं जिसके अंदर मल्टीप्लेक्स और ये बनाए जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो वो उनका भी डेवलपमेंट, उनका भी कंस्ट्रक्शन इंटरनल डेवलपमेंट वर्क में आएगा. आपके पूरे सोसाइटी में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, एजुकेशन स्कूल, हॉस्पिटल है, उनके वर्क को भी इंटरनल डेवलपमेंट वर्क बोला जाएगा. क्लियर है? वहां लिख रखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड as internal development works. Will also be considered as internal development works. Full stop. Aage. Local authority. Local authority means municipal corporation, municipalities, panchayat or any other local body constituted under any law for the timing in force, providing municipal service, basic service as the case may be in respect of the areas. ये तो normal है. Member, उसको एक बार read कर लो. नीचे notification, उसको भी read कर लो. Occupancy certificate अपना हो चुका है already. डन. आगे बढ़ो मैं पक्का बोलो हाँ है ना. नेक्स्ट वन प्लानिंग एरिया. प्लानिंग एरिया का मतलब क्या होगा, क्या लगता है आपको? एरिया जिस एरिया में आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो या जिस एरिया में आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो. सिंपल मीन्स प्लानिंग एरिया, डेवलपमेंट एरिया, लोकल प्लानिंग एरिया, रीजनल डेवलपमेंट प्लान एरिया बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड और एनी अदर एरिया स्पेसिफाइड as such by the appropriate government or any competent authority and includes any area designated by appropriate government or the competent authority to be planning area for future plan development under the law relating to a town and country planning for the time being in force and as revised from time to time. क्लियर है? जिसके अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जिसके अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो गवर्नमेंट ने बोला गया है उसे हम प्लानिंग एरिया मानेंगे. ये भी इतना काम का डेफिनेशन एज सच नहीं है, बट ठीक है, उसको बार बार एक दो बार रिवाइज करते रहना. अगला प्रिस्क्राइब्ड तिल लेने गया, प्रोजेक्ट तिल लेने गया, पर्सन, हाँ ये काम का डेफिनेशन है.
वैसे पर्सन में कितने लोग आते हैं जरा बताओ मेरे को, कितने लोग आते हैं पर्सन में, कौन कौन से सात लोग? इंडिविजुअल ऐसे याद नहीं करते, आ जाओ लेट्स गो, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, इंडिविजुअल शो मी, इंडिविजुअल शो इंडिविजुअल, एच यू एफ कह रहे एक इंडिविजुअल है, पांच उंगले इकट्ठे है एच यू एफ, सो इंडिविजुअल एच यू एफ, दो काम करने वाले लोग इकट्ठा है फर्म, जोर से बोलो क्या फर्म, फर्म में एल एल पी भी कवर अप करना, फर्म मतलब कौन बोले एक बार, एल एल पी, सो फर्म एंड एल एल पी, एक बार वापस है इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म, क्लियर है एओपी बीओ आई, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, एक बार वापस है क्या है इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एल एल पी एओपी बीओ आई, एओपी बीओ आई इकट्ठा, समझ में आ रहा है सबको, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अबे करो कैसे लोगों जिंदगी में तुम, कुछ तो एक्साइटमेंट रखो, वापस है इंडिविजुअल, सब जन करेंगे, जो नहीं करेगा उसको अटेम्प्ट की कसम, हाँ इंडिविजुअल एच ओ एफ फर्म एओपी फर्म एंड एल एल पी फर्म एंड एल एल पी एओपी बीओ आई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सर ये कौन सा एक्शन है लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है दोनों, कभी तुम्हारी समझ में आए, कभी समझ में आए, दिमाग लगाना हुआ तुमसे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी में कभी समझ में नहीं आते, क्लियर है कॉन्सेप्ट, एक बार वापस है क्या है बोले एक बार, इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एंड एल एल पी फिर ए सॉरी एओपी बी ओ आई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल सर कंपनी कहां आएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन प्राइवेट कंपनी आर्टिफिशियल कॉर्पोरेशन आर्टिफिशियल, समझ में आ रहा है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, और इन सबके ब्रांच ऑफिस और एजेंसी, इन सबके कौन बोले एक बार, ब्रांच ऑफिस एजेंसी, एक बार पूरा करो साथ में रेडी सब जन गो, क्या है इंडिविजुअल इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म एंड एल एल पी एओपी बीओ आई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लोकल अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सबके ब्रांच ऑफिस एजेंसी, अब इनका डेफिनेशन देखते हैं क्या कोई चेंज है या नया है, मैंने आपको यूनिवर्सल डेफिनेशन बोला, देखो इंडिविजुअल पहला एच यू एफ दूसरा कंपनी, कंपनी अलग किया मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इन्होंने कंपनी के लिए कन्वर्ट किया है, फर्म और एल एल पी हमारे इसमें भी था, हाँ नया आया है कंपिटेंट अथॉरिटी उसको स्टार मार्क करो, एओपी बीओआई अपने लिस्ट में था क्या ऑलरेडी था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी अलग किया, ओ माय द गॉड्स, मतलब एओपी बीओआई अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग, उसको भी स्टार मार्क करना, एनी सच अदर पर्सन एंटिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, गवर्नमेंट ने कोई भी पर्सन या नोटिस इसको नोटिफाई किया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको भी हम पर्सन में ले लेंगे, क्लियर है, तो सिर्फ दो लोग नए लोग हैं, कौन कौन बोले एक बार, कंपिटेंट अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाकी आर्टिफिशियल पर्सन वगैरह तो बाकी सब सेम है, समझ में आया, और ब्रांच ऑफिस एजेंसी इसके अंदर नहीं है, एक बार इनके हिसाब से डेफिनेशन बोलना, क्या है सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा कौन सा है एच यू एफ, तीसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चौथा फर्म और एल एल पी, पांचवा एओपी बीओ आई, नहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फिर एओपी बीओ आई, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, साइड में इसको लिस्ट फॉर्म में लिख के रखो, बार बार कौन डायग्राम देखेगा, चले अगले डेफिनेशन पे,
अगला डेफिनेशन बहुत ज्यादा काम का है, मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो, इसको भी पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत प्रैक्टिकल भी है। रेडी, लेट्स गो। डेफिनेशन है प्रमोटर का। अब बेसिकली प्रमोटर तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर तुमने देखे है, बट दिस इज नॉट अबाउट प्रमोटर ऑफ द कंपनी, दिस इज अबाउट प्रमोटर ऑफ द डेवलपमेंट साइट और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने डेफिनेशन को कुछ पांच पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिकली छह, पर छठवां पार्ट बहुत ही जनरल है इसलिए उसको नीचे लिखा। मेन पांच पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, पर्सन हु हिमसेल्फ बिकम और कॉज फॉर, मतलब जो खुद करता है या कुछ करने के लिए जो रीजन होता है, क्या खुद करता है, काय के लिए रीजन होता है, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग और अपार्टमेंट, मतलब सिंगल बिल्डिंग बनाए कमर्शियल या बिल्डिंग को अपार्टमेंट के साथ बनाए। जो पर्सन खुद बिल्डिंग बनाता है या खुद अपार्टमेंट बनाता है, या जो कॉज होता है, मतलब जिसके वजह से बिल्डिंग या अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जैसे आई वॉज जस्ट अ लैंड ओनर, मेरे पास 2 एकड़ का लैंड पड़ा है, एक बिल्डर मेरे पास आया कि सर ये लैंड है तुम्हारी, हम बिल्डिंग बनाते हैं साथ में बेचते हैं। बोला अच्छी बात है, बेचो। तो मैंने लैंड दे दिया, अब मैं बना नहीं रहा हूं, बट आई एम अ कॉज टू बी मेड, मैं कॉज हूं जिसकी वजह से बिल्डिंग बन रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं इसको प्रमोटर के अंदर गिनूंगा या नहीं गिनूंगा, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। दूसरा, कन्वर्टिंग अ बिल्डिंग इनटू अपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ऑल और एनी ऑफ द अपार्टमेंट टू अ थर्ड पर्सन और टू हिज असाइनी। जो एक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है और अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या किसी बिल्डिंग को अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दोनों पॉइंट के लिए नीचे का लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू एनी ऑफ द अपार्टमेंट टू थर्ड पर्सन और इज असाइनी, भले ही थर्ड पर्सन को बेचे या खुद के असाइनीज को बेच दे। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, 10 फ्लैट में से 9 बेचे जाते हैं, एक ही फ्लैट बचा रहता है। अब एक फ्लैट के लिए बिल्डर वहां पे नहीं रुकता कॉस्ट लगाते हुए, बिल्डर क्या बोलता है, ये फ्लैट में मेरी ऑफिशियल असाइनी को बेच देता हूं, बाद में किसी और को बेच देंगे, फिलहाल असाइनी खरीद लेगा, सेकंड में किसी और को बेच देंगे, ऐसा बोलता है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके बाहर निकलता है। नहीं तो प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी कॉस्ट, प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट सब बिल्डर को पे करना पड़ेगा। आपको पता है बिल्डर जब तक के सोसाइटी बना के नहीं देता और कंप्लीशन पूरा नहीं देता, तब तक के सिक्योरिटी कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट, जो गवर्नमेंट का मेंटेनेंस आता है ना, प्रॉपर्टी टैक्स, वो सब बिल्डर को पे करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। इसलिए बिल्डर क्या करता है, एक दो फ्लैट बचे, खुद के असाइनी को बेच देगा, प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना। दूसरा, प्रमोटर हु कन्वर्ट्स द लैंड इनटू अ प्रोजेक्ट विद अ स्ट्रक्चर और विदाउट अ स्ट्रक्चर, मतलब प्लॉट्स भी अगर बेचे, जैसे मैंने आपको बोला था कि बाहर ऐसे निकल रहे हैं फार्म हाउस के लिए प्लॉट बेचने वाली स्कीम, प्लॉटिंग ही करते हैं सिर्फ, वो बड़ी लैंड परचेस करते हैं 5 एकड़ की, एनए करवाते हैं, एनए करवाने के बाद में उसको बेचना शुरू कर देते प्लॉट के फॉर्म में, और फिर आप उसके ऊपर फार्म हाउस बांधो आपको बांधना है। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ऑफ सम ऑफ द प्लॉट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रमोटर। नेक्स्ट, एनी डीए और पीबी, व्हाट इज डीए और पीबी, डेफिनेशन के अंदर आओ, पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपको ये चीज दिखेगी। एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और पब्लिक बॉडी, एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी और क्या बोलेगा उसे, पब्लिक बॉडी, कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर पब्लिक अथॉरिटी है, जैसे म्हाडा हो गया, सिडबी सुना है, सिडबी, सिडको सुना है, सिडको स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ऐसा कोई भी अथॉरिटी, सिडको सुना होगा फाइनेंस वगैरह के लिए, तो ऐसा कोई भी डेवलपमेंट और पब्लिक अथॉरिटी कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग और अपार्टमेंट ऑन अ लैंड ओन्ड बाय देम और गिवन बाय गवर्नमेंट। म्हाडा के पास खुद की लैंड थी, उसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया, तो भी म्हाडा प्रमोटर है। म्हाडा के पास लैंड नहीं थी, गवर्नमेंट से लैंड लेके बिल्डिंग बना दिया, तो भी म्हाडा प्रमोटर है। समझ में आ रहा है? सेल ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय देम और गिवन बाय गवर्नमेंट, या सिर्फ प्लॉट बेच रहे हैं सिर्फ। क्लियर है? एनी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विच कंस्ट्रक्ट अपार्टमेंट और बिल्डिंग फॉर इट्स मेंबर्स। ये बहुत खतरनाक है, इसको अच्छे से सुनना जरा। स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, कई सारे जगह पे इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटीज होती है। हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी मतलब आप घर लो, घर के लिए हम लोन देंगे, हाउसिंग फाइनेंस, जैसे DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, वो लिमिटेड कंपनी है, ऐसा ही DHFL एक कंपनी है। अब ये कंपनी ने, हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी ने लोगों को लोन दिया, और कुछ दिनों बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ने ही डिसाइड किया कि यार हमारी हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी है, हम ही प्लॉट डेवलप करते हैं, हम ही कंस्ट्रक्शन करते हैं।
तो कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, कोई भी प्राइमरी हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी जो खुद ही अपार्टमेंट और बिल्डिंग बना रही है फॉर इट्स मेंबर्स, मेंबर्स को देने के लिए अगर अपार्टमेंट या बिल्डिंग बना रही है उसको भी प्रमोटर लेंगे। देखो बात समझो, मैं अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी हूं, जैसे अमरावती कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, मेरा सिटी अमरावती, अमरावती कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, यवतमाळ अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव फाइनेंस सोसाइटी, बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, LIC, HDFC, अभी वो HDB भी निकला है ना कुछ, HDFC का HBD, क्लियर है? तो अब इसमें से कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, मेरा काम क्या है, मैं किसी को हाउसिंग फाइनेंस के लिए, हाउसिंग के लिए फाइनेंस करूंगा, मतलब मैं किसी को लोन दूंगा घर खरीदने के लिए। लेकिन अब मैं दूसरा चीज कर रहा हूं, मैं खुद ही से फाइनेंस लेके खुद ही हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूं मेरे ही मेंबर्स के लिए, ठीक है? फाइनेंस तो मैं कर रहा हूं, उसके लिए मेरे को प्रमोटर बोलने की जरूरत नहीं है, पर मैं खुद ही पैसा लगा रहा हूं। ऐसा ही एक डील मेरे सामने आया था, कौन सी है वो, महाराष्ट्र की कुछ तो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी है, एक अच्छा बिल्डर है, बीके कुलकर्णी करके, K52 करके स्कीम था इधर पुणे में, कर्वे नगर में। वो क्या करते पता है क्या, वो पूरा बिल्डिंग पहले बांध देते, पूरी बिल्डिंग पहले कंस्ट्रक्ट कर डालते पूरी, और पूरी बिल्डिंग बनने के बाद वो फ्लैट सेल के लिए निकालते हैं आफ्टर कंप्लीशन लेटर, उसके पहले एक फ्लैट किसी को नहीं बेचते, एक भी नहीं, और उनकी पूरी बिल्डिंग विथ व्हाइट गुड्स आती है। व्हाट इज व्हाइट गुड्स, सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मतलब आपकी किचन के गैस स्टोव, चिमनी, फ्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जितने हैं वो सब बिल्डर प्रोवाइड करता है, वो पूरा, सिर्फ सोफा, वॉर्डरोब्स, बेड्स वगैरह ये सब व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वो सब दे देगा, और पूरा बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्ट करता है, उसके लिए एक पैसा नहीं लेता, किसी से भी कोई भी प्रमोशन नहीं लेता और बेचता है। उसको फाइनेंस करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आई गेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी करके, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी और वो बिल्डर है, ये दोनों मिलके बिल्डिंग बनाते हैं, और फिर जो फ्लैट है वो आधे आधे मिलके बेचते हैं। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी हाफ फ्लैट बेचेगी, बिल्डर हाफ फ्लैट बेचेगा, और दोनों लोग रेवेन्यू कमाएंगे। अब ऐसे केस में बिल्डर तो प्रमोटर है ही, ये हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी भी प्रमोटर है। ऐसी एक डील में हम उनके पास गए थे, ठीक है, मेरे को फ्लैट जब परचेस करना था पहला, तो मैं बिल्डर के पास गया, बिल्डर बोले मैंने पूरे फ्लैट बेच दिए मेरे, अब जो बचे है ना वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस, लोकमान्य, महाराष्ट्र नहीं, लोकमान्य कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी के बचे हुए, आप उनके ऑफिस में जाओ, उनके पास फ्लैट बचे होंगे तो आपको बेचेंगे करके। तो इस तरीके से भी आप प्रमोटर बन सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार, सुनो लास्ट वाला, एंड वाला, एनी पर्सन हु एक्ट एज अ बिल्डर कॉलोनाइजर, व्हाट इज कॉलोनाइजर, रो हाउसेस बनाने वाले, कॉलोनी बनाने वाले, क्लियर है? कॉलोनाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर इन एनी अदर नेम या किसी भी नाम से काम कर रहा है, या जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है फॉर अ लैंड ओनर ऑन विच अ बिल्डिंग और अपार्टमेंट इज कंस्ट्रक्टेड और प्लॉट इज डेवलप्ड, या जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है ऐसे लैंड का जिसके ऊपर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जो प्लॉट डेवलप किया जा सकता है, ऐसे सभी पर्सन को हम किसके डेफिनेशन में लेते हैं, प्रमोटर। लंबी चौड़ी डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अगर आप ऐसी की ऐसी इधर पढ़ते ना तो आपका दिमाग खराब हो जाता था, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट करके ऐसा दे दिया, क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एनी पर्सन हु कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर सेल टू अ जनरल पब्लिक, ये तो प्रमोटर है ही। वापस से डायग्राम देखना, वापस से पूरा का पूरा डेफिनेशन मन में पढ़ना, मैं आपको 2-4 मिनट देता हूं टू कंप्लीट द सेम, गो फॉर इट फास्ट, जितना लगता है मार्क कर लो, याद कर लो यहीं पे। यहां सवाल है कि सर जो लैंड ओनर है हाउ ही कैन बी अ कॉज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये पूछ रहे हो आप कि वो कॉज कैसे बन सकता है, जो लैंड ओनर है वो कैसे कॉज बनेगा, आपने जो एग्जांपल दिया उसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, आप लैंड ओनर हो और आप कॉज बनना नहीं चाहते बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो लैंड बेच दो ना बिल्डर को, तो लैंड बेच दो, आप ना ही कॉज हो
और ना ही आप सेल्फ डेवलपर हो, दोनों में नहीं आओगे। अगर आपने लैंड बेचा नहीं, आप लैंड रख रहे हो, जॉइंट डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट हो गया और बिल्डर उसके ऊपर बना रहा है, बिना लैंड के तो बना नहीं सकता, फर्क नहीं पड़ता ना, बिल्डिंग गिर गया तो ये लाइबिलिटी आपकी नहीं रहेगी अगर आप पहले से ही लैंड बेच दो। बट राइट नाउ यू आर नॉट सेलिंग अ लैंड एंड वर्किंग विद अ बिल्डर, दैट मींस यू आर इन जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, देन यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? तो भी जो लैंड ओनर होते हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी आता ही है, और वो भी पार्टनरशिप फॉर्म रही तो अनलिमिटेड तक के आता है। हाँ, लाइबिलिटी शेयर करने का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा तो वो उनमें से डिसाइड करे, पर जो क्लेम करने वाला है वो तो फॉर्म से ही करेगा ना। नहीं, रेरा इक्वली नहीं लगाएगा। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू। आप दोनों डेवलपर हो, सवाल है कि सर लैंड ओनर लाइबल रहेगा या बिल्डर लाइबल रहेगा अगर कोई भी डैमेज होता है तो। आप दोनों डेवलपर हो, आप समझो लैंड ओनर हो, वो है डेवलपर, ठीक है। अब जो डेवलपर है उसने एग्रीमेंट किया कि कोई भी डैमेज अगर हुआ तो डेवलपर विल बी लाइबल, लैंड ओनर विल नॉट बी लाइबल। आप दोनों की फर्म है, एज अ कस्टमर मैं आपको क्या पर्सनली इश्यू कर सकता हूं? नहीं। इफ यू हैव अ फर्म और आप फर्म के नाम पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एज अ कस्टमर मैं फर्म को सीयू करूंगा, मैं आप दोनों को सेपरेट सीयू नहीं करूंगा। आप जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, बट अब इसके अंदर मैंने फर्म को सीयू किया, मुझे मेरे डैमेजेस मिलने से मतलब मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर का एग्रीमेंट क्या है, वो आप जानो, आपकी पार्टनरशिप डीड आप जानो, आपके एग्रीमेंट आप जानो, फिर उसके अंदर आप एक रुपया भी मत दो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। क्लियर है? अब इसके अंदर तुम्हारा इंटरनल क्या है वो आप डिसाइड करते रहो, मैं तो फर्म से क्लेम करूंगा। फिर इंटरनल जब डिसाइड करने की बात आई तो अब देखो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो फाइनल होगा। समझ में आया पक्का? क्लियर है? जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि डेवलपर पे करेगा तो डेवलपर पे करेगा, पर ये भी याद रखना कि इफ इट इज अ पार्टनरशिप फर्म और डेवलपर पे नहीं कर पाया तो जॉइंट एंड सेवरल हो जाता है। नॉर्मली एग्रीमेंट होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट डेवलपमेंट में तो होता ही है। क्लियर है? बट मुझे इससे अब फर्क नहीं पड़ता ना कस्टमर को। रेरा अथॉरिटी फर्म को लाइबल करती है, रेरा अथॉरिटी इंडिविजुअल मेंबर को लाइबल नहीं करती। नहीं, फिर ऐसे नहीं हो सकता ना। अंडरस्टैंड? आप अगर ये बोलोगे जॉइंट डेवलपमेंट का एग्रीमेंट है तो इट इज एज गुड एज अनऑर्गेनाइज्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। इंडिया में पार्टनरशिप फर्म दो टाइप की होती है, एक तो रजिस्टर्ड नहीं तो अनरजिस्टर्ड। क्लियर है? अनरजिस्टर्ड भी रही तो भी फर्म ही लाइबल रहती है। क्लियर है? चलो, हो गया सबका? सो यहां प्रमोटर का आपका डेफिनेशन होता है केवल एक बार, जो से खत्म। बचे हुए कुछ तीन चार डेफिनेशन है, ये सभी के सभी डेफिनेशन नॉर्मल लेमैन वाले हैं, जो नियरली आपको पता होगा, जैसे रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, प्रोस्पेक्टस, रेगुलेशन, रूल, सैंक्शन प्लान। मैं बोलूंगा आज इसको एक बार घर से रीड करके आना, ठीक है? कम से कम इसके अंदर कोई दिक्कत रहा तो कल हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जितने मेरे को काम के डेफिनेशन मेरे को लगते थे वो टोटली मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिए है। कल अपन रेरा के रजिस्ट्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हमारा रेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो आज के लिए